चश्मा लगा ना सर, क्या था चश्मा लगा मेरा लीला खूब चल रहा है ना सर जी, ये वो बनना थे चश्मा लगा ऐसे लगते हैं। चल अब यहाँ हमारे बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। इधर आ जाइए, हमारे यहाँ तीन घटनाएं क्रमबद्ध रूप से चल रही है। ये हमारा मुगल क्या है, मुगल मुगल काल का समय आपको तो पता है कि 1526 से लेकर के 1707 तक, है ना। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हो जाती है, 1707 में। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वो जो केंद्र बिंदु था दिल्ली, दिल्ली के गद्दी पे जो बैठा उसके बाद शासक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर मुगल काल, मुगल काल, है ना जी, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल तक यदि हम शुरुआत शासक बोलते हैं तो याद सवेरे आपको कहानी हम बताए थे, बिल्कुल मुअज्जम और आजम। और औरंगजेब अपना वसीयतनामा में क्या छोड़ करके गया था कि हमारे पुत्र को जो है, मेरा पुत्र को जो है क्या करना है, क्या करना है, इधर क्या वहां दिक्कत हो रहा, ठीक है ओके है, लाइट कम, लाइट कम, मतलब लाइट जला दें, विकास जला दीजिए थे, पर इसका भी जी है। हाँ तो दिल्ली में जो है, अब ये सुनो, औरंगजेब जो है वो क्या लेकर के गए, आ जाओ ना इधर, तुम चार्ज लगाएगा, चार्ज का 10 रुपया लगेगा, बगल वाला स्विच दो, हाँ चार्ज लगेगा उसमें लाइट नहीं है, तब इन्वर्टर का लाइट नहीं होगा आगे जी। अच्छा कर देंगे, चलो इधर इधर चलते हैं, उस रूम में लगा दो, उस रूम में सर। हाँ तो वो कर रहा है इसे, तो हम क्या करें, तुम 2 मिनट उसको बंद करो पहले, उसको आने दो। अब यहाँ पे याद कीजिए, तो ये दिल्ली वाला जो है गद्दी पे कौन बैठा, तो मुअज्जम जो है किस नाम से बैठा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा। और औरंगजेब अपना वसीयतनामा में छोड़ करके गया था, और उस वसीयतनामा में यह बताया था कि मेरे पुत्र को क्या करना है, प्रांत डिवाइडिंग कर देना। इतना तक कहानी याद है। बहादुर शाह के बाद कौन आया था, जहांदार शाह आया था, जहांदार शाह के बाद परोक्षियर आया था, सवेर में आपको हम बता दिए, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जा, ये सब भी आया था। हम ये बताए थे कि इसमें वो क्षमता नहीं था कि वो पूरे दिल्ली का कमान, पूरे भारत का कमान वो संभाल पाए। परिणाम स्वरूप उस समय जो प्रांत था, और वो प्रांत कितना था, तो 21 से 18 प्रांत में आ गया था, 21 प्रांत से 18 प्रांत। अब मान लो कि बंगाल प्रांत में भेजा किसको, मुर्शिद कुली खां को, क्या पद पे, सूबेदार के रूप में, ठीक है। अब बोला जाओ तुम बंगाल का देखभाल करो, ठीक है ना, बात समझ में आया। वो गया तो देखा कि मतलब मेन जो बॉस है, अब यहाँ ये मोहम्मद शाह किस नाम से जाना जा रहा है, वृद्ध शासक, ये क्या नाम से जाना जा रहा है, ये जाना लंपटमूर, फरुखसर क्या नाम से, घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मतलब वो शासक में सब अपना गुण विराजमान था, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो पूरे भारत का क्या करे, शासन संभाल पाए, ठीक है, और शासन को देख पाए। तो इनको क्या मिला, मौका मिल गया, बोला कि अरे मेरा जो हेड बॉस है, सपोज करो कि तुम मेरे पास आता है, मेरे पास आता है और देखेगा कि यार एकदम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, एक दिन दो दिन देखा, ठीक है, तो चौथा दिन आएगा, है ना, तब कहेगा उससे अच्छा तो हम ही पढ़ा देंगे, ऐसा बहुत बच्चा बोलता भी नहीं बोलता, ठीक है, बहुत बच्चा बोलता है कि इससे अच्छा सर तो है ना, है ये देख देख करके पढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा तो हम ही अपने से पढ़ लेंगे, तो ये अपने मन से बनावटी बात, तो बनावटी नहीं है, रियलिटी, अच्छा
बात समझ में आया ना? तो ये चीज आ गया, तो ये सभी बंगाल तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। फिर क्या हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, उसके बाद हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। इन सभी का हम संस्थापक सब आपको हम बता चुके हैं सभी, ठीक है ना? याद कीजिए, तो यहां देख लीजिए, इसे यदि देखना है तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है? ये हैदराबाद निजामुल मुल्क अवध सयादत खान बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में, कर्नाटक सादतुल्ला खान रोहेल वीर दाऊद अली मोहम्मद भरतपुर चुरामन और बदन सिंह, और इसमें हमने प्लस क्या किया था, मराठा पंजाब है ना, प्लस क्या किया था, पंजाब है ना, प्लस क्या किया था, मैसूर। सर जाट भरतपुर में आ जाएगा, हाँ मैसूर। मराठा जो है ये पेशवा से शुरुआत हो जाएगा, ये रंजीत सिंह से हो जाएगा, और मैसूर सिंह, मैसूर जो होगा वो हैदर अली के नेतृत्व, ठीक है? इतना स्वतंत्र मेरा हो गया। ये स्वतंत्र हो गया कि मतलब ये केंद्र बिंदु क्या हो गया, मतलब केंद्र बिंदु कमजोर हो गया। क्या हो गया, केंद्र बिंदु कमजोर हो गया। जैसे ही केंद्र बिंदु कमजोर हुआ तो ये सभी क्या होने लगा, आजाद होने लगा, क्लियर है? तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रांत। कोई दिक्कत है, दिमाग में सेट हो गया? एक घटना और चल रहा था मेरे यहां, वो घटना क्या चल रहा था बाबू, इन दोनों के समांतर हमारे यहां यूरोपीय आ रहे थे। कौन? यूरोपीय। तो ये यूरोपीय मेरे यहां क्यों आ रहे थे, यहां देखिए मैप कर, ये मेरा पोर्शन क्या है, यूरोप का, ठीक है ना? ये मेरा पोर्शन क्या है, यूरोप का। अब यूरोप को क्या ऐसा जरूरी पड़ा कि वो भारत जाएगा, भारत कहां है, यहां पे, ठीक है? भारत मेरा यहां पे, क्लियर है? एक तो हमारा जो अवस्थिति हो गया, शासन का पद्धति हो गया उत्तर मुगल का और स्वतंत्र प्रांत, क्लियर है? अब बीच में कौन एंट्री मार रहा है, एंट्री नहीं मार रहा है वो, उसको जरूरत था। जरूरत क्या चीज का था, तो देखो यहां पे ना 1453 में कस्तुतुनिया का पतन हो गया, है ना? किसका पतन हो गया था? आप यदि व्यापार जब भी करते हैं बापू, दिमाग में सेट रखिएगा, व्यापार जब भी होता है या कोई भी चीज, ठीक है ना? व्यापार जब भी होता है तो सुनो, या तो दो ही मार्ग से होगा, या तो स्थल मार्ग से होगा, या तो समुद्र, है ना, या तो जल मार्ग से होगा। दिमाग में से व्यापार जब भी होगा, बिजनेस जब भी होगा, तो स्थल या जल मार्ग। अब बोलो ये यूरोपीय डायरेक्टली हमारे पास पहुंच जाता था, डायरेक्टली स्थल के मार्ग से पहुंच जाता था। यदि मान लो किसी भारतीय को यदि चाइना जाना है तो स्थल पार करके जा सकता है, समझ में आ गया? अब ये व्यापार जो है 1453 में किसका पतन हो गया, कस्तुतुनिया। तो कस्तुतुनिया का जैसे ही पतन हो गया तो ये एरिया जो हो गया क्या हो गया, अवरोध कर दिया, ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया। अब यूरोपीय खोजने लगा कि हम कैसे जाए, हम कैसे जाए, क्या व्यापार करना, अब व्यापार में हमको जरूरत क्या चीज का है, तो इस ये प्रदेश क्या है, ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश को क्या चाहिए, मसाला, ठीक है? बात समझ में आया, मसाला, क्लियर है? अब ये मसाला का जरूरत उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। आज भी अपने घरों में आप अचार बनाते हैं तो देखते हैं ना कितना साल सब चलता है, ठीक है? अब इसको जरूरत पड़ गया, ये रास्ता बंद हो गया, तो अब इन्होंने क्या खोजने का मार्ग, जल का, ठीक है? तो जल मार्ग वो खोलने का काम किया, तो यहाँ पे जो है ये वाला एरिया जो है मेरा क्या है, स्पेन, ठीक है? स्पेन का निवासी कौन थे, कोलंबस, कौन थे, कोलंबस। तो ये कोलंबस जो है ना बोला कि हम खोजना स्टार्ट करते हैं, और ये नाम सुन करके रखा था कि इंडीज प्रदेश में मसाला मिलता है, कहा इंडीज प्रदेश में मसाला मिलता है। अब कौन ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रदेश का नाम क्या सुन लिया था, इंडीज, किसके लिए प्रसिद्ध है, मसाला। तो कोलंबस जो है, जो स्पेन निवासी था, वो बोला कि हम चलते हैं इंडीज खोजने के लिए। बस तुरंत यहाँ से एकदम एकदम नाव पकड़ा,
नौपका करके सूरत अमेरिका में है ना, दूसरे दिन है ना, ये एकदम चर्चित हाईलाइटेड हो गया एकदम, हम इंडिया खोज लिए, इंडिया खोज लिए। ठीक है, यहाँ देखता है तो सवेरे सवेरे जो है ना आदमी गोरा गोरा लाल लाल लाल, ठीक है, अब एकदम दिमाग इसका चकरा गया और यहाँ मसाला खोज रहा है तो मसाला है ये नहीं कहीं नहीं। अब इसी के नाम पर यहाँ क्या नाम पर गया, रेड इंडिया, रेड इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत है आ? और यही अमेरिका का खोज कौन किया, कोलंबस, 1492। कब किया तो 1492, 1492 पहले से अमेरिका नहीं था, नहीं था लेकिन खोजा कि एक देश है, पता नहीं, बात समझ में आया, क्लियर है ना। चल अमेरिका का यदि ओरिजिन देखेगा तो अमेरिका का ओरिजिन तो बहुत बहुत पहले हो चुका है, लेकिन स्वतंत्रता, अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है वो 1773 से स्टार्ट होता है, 76 में जाके फैल जाता है, सर हाँ अमेरिकी स्वतंत्रता। लेकिन सर कोलंबस क्यूबा को खोजा था या अमेरिका को खोजा, क्यूबा अमेरिका से, और ये वाला प्रदेश जो खोजा ना, ये वाला प्रदेश को जो है क्या नाम दे दिया वो, इंडीज, उसी जगह वेस्ट इंडीज, हाँ अभी सुनो वेस्ट क्लियर, ये इंडीज। अब यहाँ से जो है इसको दिमाग लगा के देखो हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी के बगल में यही वाला है पुर्तगाल, ठीक है, और यहाँ का निवासी कौन था, वास्को डी गामा, और यहाँ का वास्को डी गामा जो है वो बोला कि हम खोजना स्टार्ट कर देगा, ये खोजना स्टार्ट किया, यहाँ पे है गुड ऑफ गोल्ड, आशा अनुनिवास, और यहाँ पे जो है एक व्यापारी पहुंचा हुआ था भारत का, ठीक है, अब तो है ना, और ये इसको जो है सहायता यहाँ आया पूछा तो बोला कि भारत जाना है, ए सीधे यहाँ से तुम यहाँ पहुंच जा, यहाँ से तुम है ना यहाँ पहुंच जा। अब ये कौन काम किया बाबू, तो वास्को डी गामा, कब काम किया, 1498 में, 1498 में एकदम कालीकट भारत पहुंचा, और यहाँ का शासक कौन था, तो जमुनी, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है पुर्तगालियों की, किसकी, पुर्तगालियों की, तो पुर्तगाली आया तो कहा जाता है ना, तीन नौ लेकर के जा रहा था, दो नौ जो है डूब गया, एक नौ में 60 गुना मुनाफा हुआ, तो ये सभी नहीं पूछता है, ठीक है ना, बस जानने के लिए हम लोग जान लिए, क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया। तो पुर्तगाली यहाँ जैसे आया, ठीक है, अब यहाँ रातों रात खबर पहुंचा 60 गुना कमा रहा है, तो जितना भी यूरोपीय था सभी आ, ठीक है, सबको दिमाग में क्या लगने लगा कि हम भी जाए कहाँ, भारत, क्या करने के लिए, मसाला, मसाला लाने के लिए, और मसाला लाएंगे तो इसका मतलब है कि हम यूरोप में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, बात समझ में आया, हम यूरोप में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, इस उद्देश्य से जो है होर लग गया। अब शुरुआत किससे होता है बाबू, तो शुरुआत पुर्तगाल से होता है, पुर्तगाल के बाद कौन आते हैं बाबू, पुर्तगाल के बाद डच, डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच, है ना, डेनिश, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच। अब यदि ये तुम्हारा व्यापारी के क्रम में हुआ, ये क्या हो गया, व्यापारी के क्रम, लेकिन यदि कंपनी के तौर पे बोलेगा पुर्तगाल, अंग्रेज इधर आ जाएगा और डच इधर चला जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ दिमाग में सेट हो गया। अब हमारा जो है स्टार्ट हो गया यहाँ, अब इस प्रदेश का भी नाम क्या पड़ गया, इंडीज, इंडीज, लेकिन कंफ्यूज हो गया आदमी कि कौन सा इंडीज में मसाला होगा, तो ये पूरब में था इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडीज, और इसका क्या नाम रख दिया, वेस्ट इंडीज, ना तो आज कोई ईस्ट इंडीज देश है ना तो आज कोई वेस्ट इंडीज देश, ठीक है, इंडीज का मतलब होता है खोजा हुआ मसालों का देश, इंडीज मतलब खोजा हुआ मसालों का देश, क्लियर है ना, दिमाग में सेट हो गया। अब हमारे यहाँ यूरोपीय का होर लगा, तो यूरोपीय में कौन आए पहले, पुर्तगाल, पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांस, ठीक है, इतना आया, ठीक है ना, तो ये क्रम याद रखिएगा। और व्यापारी यदि कंपनी के तौर पे तो सब चीज सही है, डच इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्लियर है। 1600 में अंग्रेज की स्थापना हो जाती है और इसका 1602 में हो जाता है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत, और पुर्तगाली का 1500 में, क्लियर है ना, सब कंपनी का डेट हम बताते हैं, क्लियर है ना, ये एकदम जेन्युइन है, कहीं पर भी मिल जाएगा। अब हमारे पास जो मेन मुद्दा आता है यहां समझिए, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, ये तीन घटनाएं मेरे पास, एक तरफ तो ई मुगल है ना, उत्तर मुगल काल को जो है आप यहीं पे कब्जा कर लीजिए, यहीं पे उत्तर मुगल काल को कब्जा कर लीजिए, कि यहां फर्रुखसियर को क्या हो गया था, फोड़ा हो गया, क्या हुआ था, फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया तो ठीक हो गया, तो उस समय का राजा जो होता था तो सब तो थोड़ा जन दानवीर सब तो होवे करता, जा बच्चा एकदम तुम्हारा कल्याण होगा, है ना, ठीक है। डॉक्टर बोटन नाम था उसका, डॉक्टर बोटन, बोटन द्वारा इसका इलाज कर दिया गया, और 1717 में एक फरमान दिया, फरमान दिया कि जाइए आप कहां, बंगाल, और बंगाल में आप क्या कीजिए, फ्री ट्रेड कीजिए, फ्री ट्रेड, है ना, है ना, जाइए आप बंगाल में क्या कीजिए, मतलब उसका इलाज किया, इसीलिए इलाज किया, इसीलिए तो फरमान किससे मिला, फर्रुखसियर से, मतलब मुगल, आज भी मुगल का बात माना जा रहा था, ठीक है ना। अब हेड बॉस ही बोल दिया है, अब नरेंद्र मोदी बोल देगा जाओ बंगाल में कंपनी खोलो, रोक देगा तुम, नहीं ना, चल हाँ रोकेंगे, हाँ थोड़ा मोड़ा, है ना। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आया जैसे बंगाल एंट्री कर गया, ठीक है, और ये हमारा स्वतंत्र प्रांत आपका जो है कौन कौन स्थापित हो गया, ये वाला मेरा बंगाल हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा मैसूर हो गया, ठीक है, ये हैदराबाद हो गया, ये अवध हो गया, ये वाला मराठा हो गया, ये जो है तुम्हारा पंजाब वाला एरिया हो गया, रॉयल बंगाल वाला हो गया, मतलब एक ओवरऑल तो ये सभा सभी मेरा स्वतंत्र प्रांत हो गया। अब यहाँ दिमाग सोचने वाली बात है, सबसे पहले तो इस यूरोपीय में जो है हम लोग क्रमबद्ध देखते हैं, तो देखो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, फ्रेंच, है ना, फ्रेंच, ये पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ, पी से क्या हो गया, पुर्तगाल, डी से इंग्लैंड, डेनिश। अब यहाँ पे सुनो, अभी एंट्री मारेंगे हम लोग भारत में, लेकिन सबसे पहले इसके नजर में ना ये एकदम ध्यान रखना कि ये पुर्तगाली यहाँ आया, पुर्तगाली का एरिया कहाँ था, तो दिमाग में सेव करना, कुछ ये वाला एरिया महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी जो है गोवा, ये सभी जो है क्या था, पुर्तगाली का केंद्र, ये फ्रांसीसी पुडुचेरी में केंद्र खोला, ठीक है, और अंग्रेज जो है, ये अंग्रेज कहां चले आया, बंगाल, उसको कौन फरमान दिया था, फर्रुखसियर, तो पुर्तगाली भी इंपोर्टेंट था, फ्रांसीसी भी इंपोर्टेंट था, और अंग्रेज भी इंपोर्टेंट था, इतना यूरोपीय में ये चोट्टा जो है हीरो बन गया, ये कौन बन गया, हीरो बन गया। अब सवाल होता है कि ये क्यों हीरो बन गया, क्यों पुर्तगाली में वो क्षमता नहीं था, था, क्यों फ्रांसीसी में क्षमता नहीं था, था उसमें, है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया, तो फ्रांसीसी का गवर्नर कौन होता था, डुप्ले, कभी सुने होंगे कि डुप्ले ने अपने चाबी कहां खोजी, पुडुचेरी, जबकि अंग्रेजों ने अपनी चाबी कहां खोजी, बंगाल, और पुर्तगालियों ने कहां खोजा, तो गोवा के, बात समझ में आया। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि मतलब यहाँ क्या क्या मिलेगा, कृषि भी मिलेगा, खनिज भी मिलेगा, मतलब जो चीज तुम खोजेगा वो चीज इस एरिया में मिलेगा, खाने का सामान से लेकर के पीने का सामान, क्लियर है। बोला कि रुको, पहले उधर एंट्री नहीं मारेंगे, पहले क्या करते हैं हम, यूरोपीय से ही टक्कर ले लेते हैं, है ना, पहले यूरोपीय से ही टक्कर लेते हैं, तब उधर आएंगे, तब उधर उलझेंगे। बोला कि ये पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली में ये वो कैथरीन, कैटरीना क्या है ना, यहाँ कैथरीन, कैथरीन का शादी हो गया किसके साथ, है ना, जॉर्ज पंचम के साथ,
ठीक है ना। कैथरीन का शादी जॉन से, शादी जैसे हुआ तो कौन अंग्रेज क्या बन गया पुर्तगाली का नेम? दामाद। दामाद को क्या दिया जाता है? दहेज दिया जाता है ना। बोला जाओ गुजरात महाराष्ट्र वाला इलाका छोड़ा, ठीक है ना। इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म। किसका? पुर्तगाली का। अब टक्कर देने वाला उसको बच गया कौन? फ्रांसीसी, है ना। फ्रांसीसी बोला फ्रांसीसी हमको बहुत टक्कर दे रहा है। अब फ्रांसीसी जो है ना एकदम उलझ गया, कहां? फ्रांस में। कहां? फ्रांस में। फ्रांस में जो है ना उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था और वहां का मैटर जो है कहां काम आया? यहां काम आया। और कर्नाटक का युद्ध जो हुआ वो परिणाम किसका? फ्रांस का। बात समझ में आया ना। मैटर था वहां का, उलझा कहां? यहां भारत में। तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की क्या होती है? जीत होती है। अब फ्रांसीसी हार जाती है, ठीक है, नंबर वन। लेकिन इसके पीछे ध्यान देना और कि जैसे पुर्तगाली का कंपनी था एस्टादो द इंडिया, अंग्रेज का कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच का भी कंपनी था, है ना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी में इंपोर्टेंट क्या था? इधर ध्यान दो ना रिचर्ड, उधर दिक्कत है क्या? ठीक है, ये जो कंपनी बनाया था ये कंपनी, तीनों कंपनी में अंतर क्या था कि सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि फ्रांसीसी जो भी काम करता था वो फ्रांस के राजा से पूछिएगा तब जाकर के कोई डिसीजन होगा। बात समझ में आया। अब मान लो कि हम रह रहे हैं भारत में, तुम फ्रांसीसी और हम अंग्रेज हैं, अंग्रेज का हेड कौन बनकर के आया है? गवर्नर, ठीक है। अब फ्रांसीसियों का है गवर्नर, लेकिन तुम जो है हमसे पूछेगा कहां? फ्रांस, ठीक है ना। लेकिन ये अंग्रेज जो है वो किसी से पूछेगा नहीं, तुरंत डिसीजन लेगा और अच्छा डिसीजन लेकर के तुम्हारे साथ जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा तब हम खबर भेजेंगे कि हम भारत में ऐसा ऐसा कर दिए। समझ में आया? तो ये प्लस पॉइंट था। क्या था? ये प्लस पॉइंट था। दिमाग में सेट हो गया बाबू? तो एक तो फ्रांसीसी कोई भी खबर भेजता था तो जाते जाते खबर उसको जाने में चार दिन लगेगा, तब तक में डिसीजन हो गया और वहां का मुद्दा लेकर के हार हो गया कर्नाटक का युद्ध में। किसका? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का भी खेल खत्म, पुर्तगाली का भी खेल खत्म। पुर्तगाली का तो दामादे बन गया, कोई दिक्कत। डच का कभी इच्छा नहीं था कि हम भारत में क्या करेंगे? राज करेंगे। खेल खत्म। उसके बाद कौन बचा बाबू? डेनिस। डेनिस का जो केंद्र बिंदु था वो कहां था? इंडोनेशिया के एरिया। व्यापार भी करना था कपड़ा में। बात समझ में? इंडोनेशिया का तो मेन जो कभी कभी था तो वो किसका था? तो सिर्फ पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। दिमाग में सेट हुआ बाबू इतना कहानी? बोलो बाबू। अच्छा, अब यहाँ पे पुनः ध्यान, यहाँ पे अंग्रेज अब क्या बन गए बाबू? हेड बन गया। क्यों बने? तो कहानी की एक है। बोलो बाबू। पुर्तगाली का दामाद, है ना, उसका तो दामाद बना और इसके साथ युद्ध चल रहा है। अब बोलो बाबू ये जो है उलझेगा किसके साथ? भारत के, है ना, स्वतंत्र प्रांत के साथ, है ना, भारत के स्वतंत्र प्रांत के साथ, ठीक है। अब कहानी सुनते चलो। अब ये मान लो कि ये मेरा क्या है? भारत, ठीक है ना। अब ये भारत में ना ये मेरा कौन सा एरिया है? ये वाला मैसूर, ये वाला हैदराबाद, ये वाला मराठा, मराठा, ये मराठा हो गया, ये पंजाब हो गया, इस तरीके से मान लो छोटा, ठीक है ना। इसको फरमान मिल गया था किससे? उधर कहां ध्यान है तुम्हारा? फरुखसियर इसको दे दिया था कि जाओ कहां? जाओ बंगाल। क्या करना? व्यापार, है ना, कर मुक्त, बिना टैक्स। यस, अब हम तुमको फिर बताते हैं। अब यहां जो बंगाल में हमारी शुरुआत हुई थी, तो बंगाल में शुरुआत हुई थी ये फरमान कब मिला है? 1717 में। और इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है? 1707। सूबेदार के रूप में बना के भेजा है किसको? मुर्शिद कुली खान। समझ में आया? मुर्शिद कुली खान क्या था? कहां का? चलो, मुर्शिद कुली खान तक अंग्रेज का एंट्री नहीं ना हुआ है? नहीं। चलो, मुर्शिद कुली खान के बाद जो है खेल खत्म। इसका कोई पुत्र नहीं, कौन आ गया? अली बर्दी खान।
कौन? अलीबर्दी खान। अलीबर्दी खान जो है वहां का क्या बन गया? नवाब। कहां का? बंगाल का। ठीक है, अब इसका कोई भी पुत्र नहीं था, इसको इसको क्या था बाबू? तीन पुत्री थी। अलीबर्दी खान को तीन पुत्री, एक पुत्री का शादी पटना, दूसरे का पूर्णिया और तीसरे का कहां? भागलपुर। ढाका। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, अलीबर्दी खान जैसे मन सबसे छोटकी बेटी कौन थी? पटना। इसका बेटा कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे ही सिराजुद्दौला के पास गया तो सिराजुद्दौला बोला, गए अंग्रेज, हम तुमको फ्री ट्रेड करने के लिए नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और इसको चेतावनी दिया अलीबर्दी खान, देख भाई अंग्रेज ना मधुमक्खी है, है ना, उससे प्यार से रहना, छेड़ना नहीं उसको। ठीक है ना, इसी समय में जो है क्या हुआ, जैसे ही गद्दी प्राप्त हुआ तो इसका मतलब इसका बड़की, ये दोनों तो बड़की है। ठीक है ना, मतलब बड़की बेटी को बेटा को बनाना चाहिए था नवाब, वो तो बना नहीं, महलियों का नहीं बना, और सबसे छोटकी बेटी का बना। ठीक है ना, बन तो गया। एक घटना यहाँ क्या हो गया कि अंग्रेज से उलझ गया, कौन उलझा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है। और इसी के समय में क्या घटना होता है? काल कोठरी घटना। कब? 1756। कब? 1756 में काल कोठरी घटना। दिमाग में सेट हुआ बाबू? सबको बंद करो। काल कोठरी घटना। अब जैसे ही काल कोठरी घटना हुआ तो इसमें बोला जाता है कि एक रूम में जो है ना अंग्रेज सबको जो है ना, है ना, पकड़ करके रूम में बंद कर दिया था, उसमें चाहे सांस लेने तक प्यार नहीं रहा, मात्र 20-22 आदमी बचा था। वही होलन, एक आध को बढ़ा दो, 213 आदमी को कैद कर लिया, उसमें जो है एक दो को जो है आदमी जो है 18 को बीच बचा। अब ये घटना जो है अंग्रेज को क्या लग गया? थोड़ा दर्द होगा कि नहीं? नहीं समझा? दर्द होगा कि नहीं? एक दर्द क्या किया, उसके अंग्रेज को मार दिया। ठीक है, दूसरा दर्द क्या हुआ कि टैक्स बंद कर दिया। ठीक है ना, तीसरा जो व्यापार का जो केंद्र बिंदु था, ठीक है ना, वो खत्म कर दिया। किसका? अंग्रेज। तो अंग्रेज चुप रहने वाला है? बोला कि ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, अंग्रेज पहुंच गया कहां पे? इसके पास, पूर्णिया। इसके पास, लड़की के पास, मौसी के पास, दोनों मौसी। ठीक है ना, बात समझ में आया? इसका मौसी का बेटा का नाम था शौकत का, है ना, सब शौकत का। ठीक है ना, कौन उसको साइलेंट कर दो ना, लिंकअप होता है, साइलेंट हो गया। हाँ, शौकत जन। और इसका कौन था? तो घसीटी घसीटी बेटा है बॉस, मौसी के पास अंग्रेज पहुंचा। ठीक है, शौकत खान और घसीटी बेटा, पूर्णिया का शौकत खान, पूर्णिया का शौकत जन, शौकत जन। ठीक है, और वहां घसीटी पहुंचे। और जंग है कि ये सफदरजंग वाला। अच्छा, इसके पास पहुंचा अंग्रेज, बोला कि देखो सुनो, क्या अच्छा बात है, है ना, तुम्हारा बेटा नवाब ने बनाया, है ना, आप ये जो है ये मतलब क्या बन गया एक तरीके से, तो याद कीजिए रामायण में कौन थी? मंदोदरी। सिराजुद्दौला का आधार स्तंभ क्या था? पिलर। आधार स्तंभ पिलर में था सेनापति, कौन था? ठीक है, दूसरा कौन था? सेनापति हो गया और बैंकर हो गया। ठीक है, और उसके बाद मान लो क्या नाम है सेनापति का? प्रमुख कौन? मिर्जा।
ठीक है। बेकर में कौन, मीर मदान, मोहनलाल, ये सभी नाम, सब नाम हम दिखा दें, ठीक है। मीर मदान मोहनलाल, एक तो इधर सिलेंडर कर दिया, ठीक है, इधर जो है क्या कर दिया, इसके पास गया, किसके पास, मीर का सिलेंडर किया, उधर लड़ाई लगानी था, नहीं अंग्रेज अपने पक्ष में मिलाए ना, पहले घरे से ना स्टार्ट किया, पहले घर से इसको मिला था, उसके बाद जो है इसका सुना कि कौन है ना, मीर जाफर, मीर जाफर के पास गया, बोला कि सुनो मीर जाफर तुमको नवाब बनना है बंगाल का, बोला कोई ऐसा सेनापति है जो बोलेगा कि नहीं नवाब बनेंगे, अभी मान लो कि सपोज करो कि है ना ये क्या नाम कभी अमर सिंह, अरे क्या नाम है नरेंद्र मोदी के साथ जो रहता है सब काम तो अभी अमित शाह का कहानी तुम खुला नहीं है, कभी मौका मिले तो उसका कहानी देखना, इसको वायरल नहीं करना पकड़ लेगा, ठीक है। अमित शाह माफिया जज को रातों रात उठा लिया था, समझ में है ना, अमित शाह जो है किंग मेकर है, किसको बना दिया, नरेंद्र मोदी को। अमित शाह हमको फोन किया कि ए गोस्वामी जी अगला प्रधानमंत्री बनना है, बोलो मना करेंगे, और ये भी बोल देगा कि आगे जो होगा हम देख लेंगे, हमको मीर जाफर है, हम कौन है, मीर जाफर है, हमको अंग्रेज फोन किया, अगला नवाब तुमको बना देंगे, लेकिन चुपके चुप दिक्कत है, इधर ना अंग्रेज घर का कर लिया, ये सब पैसा दे रहा था, ये सब पैसा दे रहा था, बोला ढेर पैसा हो गया तुम्हारे पास, हैं हमको पैसा देगा तो ब्याज भी मिलेगा, उसको पैसा देगा तो क्या मिलेगा तुमको, कुछ नहीं टिटुआ, बात समझ में आया, कमाना है ना, बोला हाँ ठीक है। फाइनली रूप से ये डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757, जगह का नाम क्या है, पलास, नदी कौन सा है बाबू, हुगली नदी, ठीक है, कहाँ, वेस्ट बंगाल, 23 जून 1757 को बेटल ऑफ पलासी होता है, और पलासी के युद्ध में क्या हो गया, पहले से तय था कि कौन जीतेगा, फिक्स नहीं समझे, पहले से तय था कि कौन जीतेगा, कोई दिक्कत है दिमाग में सेट हुआ पक्का ना, कैसे तय था तो क्लियर है ना, इसलिए इसको बोला जाता है कि यह जो है इसके साथ जो है विश्रृंखल युद्ध था, नाम का ये क्या था तो युद्ध था, नाम का क्या था, युद्ध था, लेकिन पहले से तय था बाबू कि ये कौन जीतेगा, और स्वाभाविक रूप से जब आप कहानी पढ़े तो आपको भी पता है कि कौन जीतने वाला है, ठीक है, यहाँ 23 जून को जो है हो जाता है फाइनली रूप से संघर्ष, ठीक है। अब जैसे ही हुआ तो कौन हार गया बाबू, सिराज हार जाते हैं, छुटकिया बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, अंग्रेज अपने वादे के अनुसार शौकत जंग का मनिहारी युद्ध में हरा दिया था, ठीक है, मनिहारी का युद्ध हुआ था, शौकत जंग को हरा दिया, घसेटी बेगम का बेटा था तो बिछुप था, पागल था, उसमें उतना क्षमता नहीं था, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब सिराज जो है मरा जैसे ही, तो वादे के अनुसार कौन बना दिया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब, मीर जाफर जैसे ही बना तो फ्री ट्रेड करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कठपुतली बन गया, अंग्रेज फोन करता है, मीर जाफर तुमको हम नवाब बनाए हैं ना, हाँ बनाए हैं, तो देख भाई युद्ध किया है ना, बहुत क्षति हमको हुआ है ना, पूर्ति कर रहे, ये फ्रांस वाला हो गया, जर्मनी वाला, सेम जर्मनी का घटना, किस पे लौटा गया, मीर जाफर पे, ठीक है, बोला कि देखो तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो कुछ क्षेत्र हमको दे दो, ठीक है, क्षेत्र मतलब ये हरजाना के तौर पे इससे ले लिया, कोई दिक्कत, क्षेत्र चला गया, जैसे हिटलर किया था, हाँ हिटलर, समझ में आ गया, किसका गया बाबू, मीर जाफर का, मीर जाफर क्या बन गया, नवाब, लेकिन कैसा नवाब बना, नाचने वाले, अब दिनों दिन जब भी अंग्रेज को जरूरत पड़ता है था, है ना, पैसा का, मीर जाफर को जो है फोन नहीं करता था उस समय, है ना,
है ना, खबर भेजता था कि हमको रुपया भेजो, है ना। अब मिर्जापुर के पास रुपये नहीं, रुपया नहीं है, ठीक है, रुपया नहीं है, तुम हमसे क्या करो, रुपया नहीं दिला दे रहे हैं उससे, है ना, उसको ब्याज दे देना, वो हमारे आदमी, ठीक है, वो मेरे आदमी, उससे पैसा दिला दिया, ब्याज किसका जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ब्याज भी उसी का जा रहा है, पैसा भी मूल भी किसका है, उसी का, समझ में आया। मतलब हर तरीके से मिर्जाफर को जो है कवर कर दिया, और ऐसा सिचुएशन आ गया बाबू कि मिर्जाफर ऊपर के जो लगभग 200 करोड़ उस समय का कर्ज पे लग गया। बोला कि अब इसके पास कुछ है नहीं बंगाल के पास, ठीक है, बंगाल के पास कुछ है नहीं, तो ऐसा हम लोग चूज करते हैं कि हमको हरजाना रुपया मिल जाए। ये गया इसी का दमाद था, कौन था दमाद, उस दमाद का क्या नाम था, मीर कासिम, प्रथम अधिकार, समझ में आया। मीर कासिम को बोला देख भाई तेरा ससुर जो है ना बहुत कर्जा ले लिया है, वो कब मर जाएगा पता नहीं, ठीक है ना, तुमको नवाब बनना है, हाँ नवाब बनना है, बोला तो करना क्या है, बोला उसका जो कर्जा है वो कर्जा तुम तोड़ दो, नवाब तुम बन जाओ, ठीक है। अब ससुर भी क्या करेगा, भैया मेरा दमादे बन रहा है, तो स्वेच्छा से क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, और मीर कासिम से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, बात समझ में, पैसा लेकर के वो अपना घर अगला नवाब बन गया, कौन, मीर कासिम, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मीर कासिम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, क्या था, महत्वाकांक्षी, और दो महत्वाकांक्षी जब आपस में टकराएगा तो युद्ध होगा ही होगा, बात समझ में आया। मीर कासिम बोला हम इतना पैसा दिए हैं और हम वसूलेंगे नहीं, ये पूरा दिमाग लगाया कि बंगाल इतना बड़ा एरिया है ना, हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कैसे करें, राजस्व कैसे उपजाएं, ठीक है ना। नंबर वन घोषणा किया अब अंग्रेजों को, दस्तक प्रथा समाप्त। अब ये दस्तक प्रथा था क्या, नहीं, दस्तक प्रथा था कि अंग्रेज को तो टैक्स फ्री टैक्स था, तो पासपोर्ट दिखाता था, क्या दिखाता था, पासपोर्ट, अब इतना बड़ा टुकड़ा है ये दिखाया है ना, तो टैक्स नहीं लगेगा। वो क्या करता था अंग्रेज, ये दस्तक को बेच देता था किसको, भारतीय, ठीक है ना, अब तुम दिखाना, इसका मतलब ना तो भारतीय से उसको टैक्स मिल रहा है ना तो अंग्रेज से टैक्स मिल रहा है। वो बोला दस्तक को हटा, अंग्रेज रहे कि कोई भारतीय रहे, सबको टैक्स लगेगा, क्लियर है ना, रेवेन्यू जनरेट के लिए अच्छा काम किया। बोला कि अच्छा इसके बगल में हम रहते हैं ना, एक जब मन तब पहुंच जाता है ना, मुर्शिदाबाद राजधानी था, ठीक है ना, जब मन तब पहुंच जाता है अंग्रेज, ऐसा करते हैं हम राजधानी परिवर्तन कर लेते हैं, मुंगेर ले जाए, कहां लेके आ जाते हैं, मुंगेर, बात समझ में आया। मीर कासिम अपना राजधानी कहां लेकर के आया, मुंगेर, जैसे ही लेकर के आया तो मुंगेर का खासियत क्या है, इधर है गंगा नदी, इधर है तीन गो पहाड़, ठीक है, ये वाला एरिया कौन है, मुंगेर, आएगा तो या तो हमको नदी टप के आएगा, नहीं तो तीन पहाड़ टप के आएगा, ठीक है ना, देख लेंगे तब तक। बोला कि हम सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एगो बंदूक कारखानों बना देते हैं, समझ में आया, बंदूक कारखाना भी बना देते। बोला ओके, अब ये बात दस्तक जैसे समाप्त करेगा तो अंग्रेज चुप रहे, राजधानी तुम कितनों दूर चल गया है तो क्या हो गया, ठीक है अब तो लड़ेंगे हम तुमसे। अब फाइनली रूप से मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज, अब इस समय क्या हुआ था, अवध में एक प्रोग्राम हो रहा था, कहां पे, अवध में ना मुगल बादशाह आया हुआ था, कौन, मुगल बादशाह, और यहां से कौन गए थे, मीर कासिम, अवध को बोला कि देखिए ना अंग्रेज बहुत आजकल जो है हीरो बन रहा है ना, हीरो बन रहा है, मुगलों को बोला तो बन रहा है, ऐसा करो ना तीनों मिल जाते हैं, अंग्रेज तो इसे पीस देंगे, क्या कर देंगे, पीस देंगे। अब यहाँ जो मीर कासिम प्लस कौन, मुगल प्लस अवध का नवाब, ये तीनों का सेना, ये तीनों का सेना वर्सेस अंग्रेज अकेले, और ये घटना युद्ध होता है कौन सा, बक्सर का युद्ध, है ना, 1764
कौन सा युद्ध बाबू? बक्सर। कहाँ है? बिहार में। बात समझ में आया? बक्सर का युद्ध में इतनी बड़ी सेना को कौन हरा दिया? अंग्रेज हरा दिया। अब सवाल होने लगा भाई, इतनी बड़ी सेना को कौन हरा दिया? तो अंग्रेज हो गया। तो पहली बार हमको लगा कि नहीं, अंग्रेज में कुछ ना कुछ क्षमता है। जैसे बाबर एक छोटी सी सेना लेकर के आया था और पूरे भारत को जीत लिया था, कुछ ना कुछ तो इसके पास गुण है। किसके पास? बोला कि अच्छा ठीक है, तो गुण पता करते हैं। बोला ठीक है। बोला ये सभी जो है ना, इसका सेनापति देखो, इसका सेनापति का कमजोरी ठीक है ना, इसका सेनापति को ना 6 महीना से वेतन ही नहीं मिला है, ना तो सेना को ना किसी को। इसका जो है हमेशा अप टू डेट रहता, ठीक है, काम टनाटन लेगा, ठीक है, अब महीना का वेतन टनाटन मिलेगा। ओके, ना तो अबाध, ना तो मुगल, ना तो बंगाल कभी युद्ध किया था। इसके पास जो हथियार था ठीक है, पुराना था, ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद इसका नायक, नायक नायक में वो क्षमता नहीं रहता था कि हम कितना को जो है कर पाएंगे कंट्रोलिंग, बात समझ में आया। इसमें कमजोरी, इसमें कमजोरी, इसमें कमजोरी, इसके तुलना में अंग्रेज सब चीज में उठता। अंग्रेज लड़ता था तो ये सोचता था क्या मतलब हम जीतेंगे तब मतलब इंग्लैंड जीतेगा। यहाँ जो है सेना में वो भावना ही नहीं था, वो उसको भावना क्या था, बंगाल जीतेगा ना, हमको क्या लेना देना। अवध का सेना जो है वो सोचता था बंगाल जीतेगा, हमको क्या लेना देना। मुगल ये सोच रहा है, तो यहाँ यूनिटी जो है बाहर से दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर में किसी के पास नहीं था। क्लियर है? हथियार, हथियार तुम्हारा पुराना पद्धति वाला लेकर के चल रहा है ठीक है, और हमारे पास कौन सा पद्धति है? आधुनिक पद्धति वाला, ठीक है। नायक, इसका सेनापति और इसके सेनापति में आसमान धरती का अंतर, ठीक है। यदि 5 बजे जाना है तो 5 बजे जाना है, इसको 5 बजे बुलाया है, 7 बजे पहुंचता, क्या बात है रे तुमको? बोला बीबी बीमार हो गई, तो टाइम का पंचुअलिटी, समझ में आया। ये रोल निभाता, फाइनली 1764 में जीत गया। कौन जीता? अंग्रेज। और यहाँ पता चला कि इसमें क्या था, कुछ ना कुछ क्षमता था, बात समझ में। जैसे ही 64 में बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। अब मीर जाफर के पास पुनः हो गया, बोला तुम्हारा दमाद तो हमारे साथ खेल कर दिया था, ठीक है ना, क्लियर है, अगला नवाब तुम बन जाओ। 65, ये घटना कब का है? 65 का। 65 में क्या करता है बंगाल में? बोलता है मिर्जाफर तुम्हारे पास हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन एक सिस्टम कर देते हैं। कौन सा सिस्टम? दुएल शासन। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम नहीं, बंगाल में दुएल शासन लगाया, ठीक है। तुमसे सवाल यही पूछेगा तो बंगाल में क्या आ गया? दुएल शासन, मतलब दो का शासन लगाएगा कौन? अंग्रेज। वसूलेगा कौन? मिर्जाफर। वसूलेगा कौन? मिर्जा। मतलब बंगाल का नाम, क्लियर है। यहीं से खेल खत्म हो गया। कौन सा? किसका? मिर्जाफर। मेरे जफर पर वारन हेस्टिंग्स लगाया तो शासन के किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ये बात, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो बंगाल में क्या लगा दिया? द्वैत शासन। तो एक द्वैत शासन उधर लगा, ये अवध बहुत बुरा था, ठीक है, अवध, अवध से करा और द्वैत शासन होता। द्वैत शासन मतलब दो का शासन लगाएंगे हम, वो सुनेगा तो बंगाल का नवाब वो सुनेगा, लेकिन सब काम करेंगे अंग्रेज। मतलब कहीं ना कहीं बंगाल का अब हेड कौन बन गया? अंग्रेज, ठीक है ना, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। दिमाग में सेट हुआ? बोलो बाबू। काम तो कर रहा था ना उसके सारे पर, है ना, वसूल कर, वसूल कर, अंग्रेज को दे, हाँ, लेकिन कितना लगाएगा, कहाँ लगाएगा, वो हमारा काम है, तुमको बनाए हैं नवाब ने रे, ठीक है ना, तुम्हारे पास अब क्षमता है नहीं, कहे भैया हम जीते हैं, तुम क्या है, हरा हुआ व्यक्ति है, चल दिया दिमाग में से, बोलो एक नंबर से, ठीक है। अब बोला कि चल भाई बंगाल तो हमें कंट्रोल में चल ले लो, ठीक है। अब अगला निशाना 65, कहाँ का ये घटना हो गया? 1765, ठीक है। अगला निशाना कहाँ हो गया? मैसूर, ठीक है। अगला कहाँ चले आया? मैसूर। 1700
67 से 69 प्रथम आंग्ल में से यही है ठीक है ना 67 से 69 65 में यहाँ 67 में कहा मैसूर। अब मैसूर का थोड़ा सा कहानी सुन ठीक है कहानी सुन ये मैसूर जो था मैसूर में चलता था बाबू वाडियार वंश कौन सा वंश वाडियार वंश का था चिक्का चिक्का ठीक है बात समझ में और वाडियार वंश का जो शासक था ठीक है ना वो चिक्का था ठीक है और इसके दरबार में ना एक घुड़सवार के रूप में हैदर अली की एंट्री होती है किसकी हैदर किस रूप में घुड़सवार घुड़सवार के कोई दिक्कत है बात दिमाग में सेट हुआ हैदर अली क्या हो गया यहाँ का धीरे धीरे ना हेड बॉस बन गया हेड आदमी बन गया ठीक है कहाँ का खेल खत्म अब इसके बगल में देखो तो कौन कौन है ये मेरा मान लो ये मेरा कौन है यहाँ ध्यान देना बाबा ये मेरा मैसूर है ठीक है इसके बगल में आ जाओ तो हैदराबाद इधर मराठा इधर कर्नाटक ठीक है ये बोला कि हम ऐसा करते हैं अंग्रेज हैदराबाद से क्या कर लिया दोस्ताना संबंध इधर किससे कर लिया मराठा से बोला कि हम मैसूर पे आक्रमण करेंगे ना तो तू दोनों क्या रहना सिलेंडर रहना तटस्थ रहना कोई एकदम नहीं हम तुम्हारा दोस्त है तुम भी हमारा दोस्त है बोला ठीक है मतलब संधि किया जी संधि किया 1767 में फाइनली रूप से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है लेकिन हैदर अली तो उसका भी बाप निकला इसको इधर संधि कर लिया इधर संधि कर लिया ठीक है किससे मराठा से और हैदराबाद से दोनों को जो है एरिया दे दिया था बोला जो एरिया मांगेगा वही एरिया तुमको मिल जाए रातों रात क्या हो गया करवट बदल गया युद्ध जैसे ही गया अंग्रेज क्या हो गया बात समझ में आया ना बोला तुरा भी हम बाप है ठीक है खेल खत्म किसका अंग्रेज का अंग्रेज बोला कि अब हार गए हैं इसे संधि करो किससे संधि करो इसे मैसूर से संधि ये पहला संधि का नाम क्या हो गया पहला संधि का नाम क्या हो गया मंगलूर का संधि हाँ बोलो मंगलूर कौन सा संधि प्रथम संधि होगा द्वितीय संधि होगा चार संधि होगा और चार को युद्ध होगा ठीक है ना बात समझ में आया कोई दिक्कत तो संधि कर लिया बोला कि देखो ना तुम जो मेरा एरिया लिया है ना तुम वापस कर दो हम भी तुम्हारा वापस कर देते हैं तुम हमारे घर तुम अपना घर हम अपना दोनों खुश ठीक है कोई दिक्कत दिमाग में से ठीक अब बोला कि देखो भाई उसको पता चल गया कि मैसूर क्या है मजबूत बात समझ में तो अगला निशाना हम दूसरे जगह लेकर के जाते हैं है ना इसको कंट्रोल कर लिया और अगला कहां चले आया मराठा समझे अगला कहाँ चला गया मराठा में गया वहां पर भी हार गया ठीक है तो उसका भी ताकत उसको पता चल गया बोला है कौन ये दोनों मजबूत है दोनों में से किसी एक को तो हराना ही पड़ेगा ठीक है ना फिर कम बैक कहाँ मैसूर और दूसरा मैसूर युद्ध कब बाबू होता है 1784 समझ में आया क्लियर 80 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी युद्ध जीतने वाला था लेकिन ये को खेला खत्म हो गया बाबू कि लास्ट क्षण में जो है हैदर अली का जो है मृत्यु हो जाता लेकिन जैसे ही मृत्यु हुआ उसका कमान कौन संभाल लेता है उसका योग्य बेटा कौन टीपू सुल्तान ठीक है टीपू सुल्तान चलो भाई टीपू सुल्तान है ना लगभग जीत के कगार पे था थोड़ा सा एकदम मिस्टेक हो गया नहीं तो ये भी जीत जाता तो फाइनली रूप से तो लेकिन हार गया था है ना तो हार गया था तो ये टीपू सुल्तान पे एक साथ रखा अंग्रेज बोला नहीं नहीं हम कुछ नहीं लेंगे अभी तुम्हारे पास अगला हम उधर जब जाएंगे तो ठीक है ना किधर मराठा समझ में आया बोला इसको शांत कर दिया 80-84 में ठीक है ना अब कहां चले आया फिर मराठा नहीं समझे मराठा आ गया तो मराठा का भी युद्ध बता देंगे 1775 से स्टार्ट होगा यहाँ पे अब है बाबू देखो दिमाग में सेट करो 65 में बंगाल 67-69 में यहाँ 75-76 में आंध्र मराठा
नहीं समझे, तो वो समय देखता था कि किधर हमको कहां पॉइंट मिलेगा। बस बस क्लियर है ना ये चीज। अब टीपू सुल्तान आया, टीपू सुल्तान के साथ तीसरा युद्ध होता है। तीसरा कब बाबू? तो उसके साथ हार गया, दोबारा फिर यहाँ फूट तब पड़ता है जब मराठा में, तुमको बता देंगे, थोड़ा सा बता देते हैं, मराठा में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये सब जब डिवाइडिंग हो जाता है तो सबके पास अंग्रेज संधि कर लेता है। क्लियर है ना, बात समझ में है ना। अब टीपू सुल्तान के साथ 90-91 में क्या होता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना। यहाँ बुरी तरीके से हार जाता है बंधक के रूप में, बंधक के रूप में इसका बेटा को लेकर के अंग्रेज चला जाता है, ठीक है। बोला बेटा को, हाँ टीपू को बेटा को बोला कि हमारा पैसा जो है पहुंचा देना, ठीक है, कहाँ हमको। और इसका दोस्त था, तीसरा युद्ध जो हुआ था उसमें कारण क्या था ये जान, मित्र सूची में है ना, मित्र सूची बनाया था तो फ्रांसीसी को अपना मित्र बनाया, ठीक है, अंग्रेज को नहीं बनाया। अब बोलो तो फ्रांसीसी को बना रहा है तो अंग्रेज को दर्द होगा कि नहीं, तो यही कारण था। तो अब तुम जैसे ही पढ़ेगा ना तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, ओहो ये कारण, क्लियर है ना। अब यहाँ पे 90-91 में तीसरा आंग्ल में शुरू तो होता है, उसमें हार जाता है, हारता है तो उसका जो है हरजाना देता है, हरजाना के तौर पे जो है उसका बेटा को क्या लेकर के चला जाता है, अंग्रेज लेकर के चला जाता है। कोई दिक्कत है ना, पैसा हुआ ना बच्चा को छोड़ा, ना पैसा हुआ ना बच्चा को छोड़ा है, कोई दिक्कत है। फाइनली रूप से 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, किसके समय में, कुबलेजली के समय में, और पूरी तरीके से मैसूर पे किसका कब्जा हो जाता है, अंग्रेज का कब्जा हो जाता है, ठीक है। बंगाल का खेल खत्म, अंग्रेज का खेल खत्म, मैसूर का खेल खत्म। 99 में अंग्रेज जीत गया इसको, कोई दिक्कत है बाबू दिमाग में से बोल ना दे। चल मराठा, मराठा में भी अब स्टार्टिंग होता है पेशवा से, ठीक है, थोड़ी कहानी सुन। पेशवा पंजाब से स्टार्ट, मराठा से स्टार्ट हुआ, 75 में जब चलेगा तो पेशवा का नाम सुनते चलो थोड़ा सा, कभी कभी जगह हमारे लिए छोटा पड़ जाता है, हाँ वो नहीं ऐसे कर देते हैं, ठीक है। मराठा कैसे उलझा है तो तुमको तक क्लियर है ना, लेकिन थोड़ा सा कहानी समझ। मराठा का पहला जो है पेशवा कौन बना था, यहां से शुरुआत करो, छत्रपति शिवाजी इसके संस्थापक मराठा, ठीक है, संभा और साहू, ठीक है, बात समझना है। और यहीं से तुम्हारा पेशवा का कहानी स्टार्ट होता है। पेशवा पहला कौन थे, पेशवा पहला कौन थे, बाजीराव, ठीक है, दूसरा संभाजी, नहीं बालाजी, बालाजी रुको, पेशवा का हम क्रम देख लेते हैं, ये ठीक है। देखो इधर गया, देखिए बाबू इसका कहानी थोड़ा सा समझ ले। बालाजी विश्वनाथ पहले कौन बने, पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, दूसरा जो बने थे बाबू वो कौन बने थे, बाजीराव। इधर का खेल खत्म हो जाता है, ठीक है ना, ये कौन है, बाजीराव, वो उसका वंशज था, ठीक है, इसका दो पुत्र में था, दोनों पुत्र था, तो इधर का इतना रोल नहीं है, इधर का उतना रोल नहीं है, वो वहीं पर सिर्फ क्लियर है। ये पहला पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, दूसरा कौन बने, बाजीराव। अब ये दोनों को नाम को जोड़ दो तो क्या बनेगा, बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव, बाजीराव, ठीक है, बात समझ में आया ना। तो ये तीसरा आ गए,
ठीक है। अब आ गए बाबू यहाँ देखो, खेल स्टार्ट होता है ये रघुनाथ राव से, ठीक है ना, रघुनाथ राव। और ये कौन है? विश्वास राव, माधव राव, और ये कौन है? नारायण राव, ठीक है। तो नारायण राव और यहाँ रघुनाथ राव, इसका चाचा कौन हुआ? चाचा रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। तो देखो तो बाबू 72-73 है ना, और यहाँ 75 में क्या होगा बाबू? मराठा मामल, मराठा युद्ध। समझ में आया? अब यहाँ पे सुनो थोड़ा सा, जैसे ही यहाँ हुआ ना, तो नारायण राव को जो है ये थोड़ा सा कहानी सुन लो। बालाजी बाजीराव आए, ये मर गए, तो इसका जो है पुत्र बना नारायण राव। नारायण राव जैसे ही मरा ना, तो उसको कोई पुत्र नहीं था। जैसे ही शादी हुआ तो मान लो कि मर गया, तो पुत्र नहीं हुआ, ठीक है। तो अगला कोई वंश था नहीं, तो अगला कौन बनेगा, ठीक है। तब दिमाग ये रघुनाथ लगाया कि मौका है, है ना, पेशवा बनने का। लेकिन जैसे ही एकदम खबर मिला, दूसरे दिन नारायण राव की जो है पत्नी जो है बेटा को जन्म दे दिया, उसका खेले खत्म हो गया। वही बेटा है माधव, इसलिए इसका नाम क्या है? माधव नारायण राव। अब देखो डेट 74 से 75, ठीक है। क्या उम्र ये बेटा कैसे हो जाए? अरे शादी पहले हुआ था ना, बड़ा ध्यान दे रहे सर। क्लियर है? अब जैसे ही उसको बेटा हो गया, तो अभी तो ये क्या है, बच्चा है, तो बार भाई परिषद इसको संभाल लिया। बार भाई परिषद, 12 आदमी मिल करके एक परिषद बनाया, और वो परिषद जो है पूरे मराठा का क्या कर लिया, फिल्म भी बना। हाँ, ठीक है। बार भाई परिषद मिल करके क्या बना, मराठा का जो है शासन पद्धति अपने हाथ में ले लिया। रघुनाथ राव का जो है सपना क्या हो गया, चूर चूर हो गया। रघुनाथ राव किसके पास पहुंचा? अंग्रेज के पास। अंग्रेज तो यही मौका के हाथ में था ना, कि तुम्हारे घर से कोई मेरे पास आ, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच में, अंग्रेज और इसके बीच में क्या होता है, सूरत की संधि होता है, ठीक है। सूरत संधि, पुरंदर संधि, बालघाट संधि, ये सभी संधि यहाँ लग रखा है, ठीक है। सूरत की संधि इसी से रिलेटेड है, पुरंदर बालघाट, है ना, सब संधि। इसका सपना टूट गया, 75 में इसके साथ क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्लियर है बाबू? और 1799 तक में क्या हो गया था, मैसूर को कवर कर लिया था। 1800 में एंट्री, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पहला का तो कहानी पता ही है ना, जीत गया था, क्लियर है ना। दूसरा एंट्री मारा, ठीक है, इसको बार भाई परिषद संभाल रहा था, इतना परिषद के सामने उसको तो हारना था, ठीक है ना। अब 1800 में द्वितीय लेता है, और 1806 में तृतीय, मराठा का भी खेल खत्म हो जाता है। जब तक घराने देता नहीं, लेकिन वो वेट करता, इंतजार करता, गलती करते हुआ, ठीक है ना, बात समझ में। इंतजार का फल, अरे तुम व्यापारी है, कभी कभी बोलता है भारत का विजय, भारत का विजय भारतीयों ने कर दिया, ठीक है। अंग्रेज भैया ये बात बताओ, अंग्रेज व्यापारी था, तुम व्यापार करने के लिए आया है ना, व्यापार में तुमको घाटा हो रहा है, तो तुम खुट्टा कर करके कहा खड़ा है, है ना, घाटा हो रहा है तो उठ करके चल जाओ यहाँ से, कहाँ से, भारत से। लेकिन तुम यहाँ पे यदि टिका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य तुम वहीं से बना के आया था कि अगला बादशाह हम बनेंगे, नहीं तो इतना दिन तक इंतजार नहीं करता है। और सब्र का फल मीठा होता है, हमको इतना घाटा लग रहा है भागलपुर में, छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। कुछ तो है, एक दिन हम भागलपुर में राज करेंगे, नहीं समझा, ये बात है, सही बात, गांठ बांध करके रख लो, भागने वाले नहीं, ठीक है, नहीं तो सच बात है कि नहीं, जी सर। सेम यहाँ पे, और भारत का विजय भारतीयों ने कर दिया, तो देख लो सब जगह इसको क्या मिलते गया, मौका मिलते मौका मिल गया। अभी इसके पीछे और कहानी बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत दिमाग में से?
अगला मराठा का भी खत्म, पंजाब का भी खत्म, अवध, हैदराबादी सब छोटा मोटा था, इसके साथ जो है टक्कर खाली लेता था, खत्म है ना। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया तो तीन पद्धतियां अपनाया इन्होंने, अंग्रेजों ने एक सिस्टम लाया। अब यहाँ पे इस सिस्टम को समझो, अंग्रेजों ने 73 तक एक लाया घेरे की नीति। क्या लाया? घेरे की नीति। ठीक है सर, अभी बता रहे हो, मराठा जीता ना, पंजाब के पास भी चला गया, रोहेल मगज के पास भी चला गया, तो सब में देखो समय है, सब में क्या है, समय है। 1757 से कहानी स्टार्ट होती है और 1857 तक, 1857 नहीं बाबू, 1850 तक, हम 1857 रख लो, इतना दिन में कितना साल का है, 100 साल, 100 साल में भारत का किंग मेकर नहीं है, अब किंग मेकर नहीं है, अब सीधे किंग किंग मेकर। 1857 के बाद ऑल इन ऑल कौन, अंग्रेज। और 1824 में आ गया था, मुगल के बगल में ना एको गद्दी बैठा हुआ था, पहले मुगल से मिलता था जाकर के जय हजू, अब मुगल के बगल में एको कुर्सी लगा रहता था, कौन बैठता था, अंग्रेज, बराबरी के दर्जा पे मिला, कौन, एमहस, गवर्नर का क्या नाम था, घटना कब का है, 1824, ठीक है, 1824 तक में खेल खत्म, और 1707 से स्टार्ट होता है औरंगजेब के मरने के बाद, तो इससे भी पहले ले लो 1707, 1707 से लेकर के 57 तक में क्या बनाया, भूमिका, और 1757 से 1857 तक में उसका खेल चल रहा था, बंगाल से विजय अभियान स्टार्ट हुआ और पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, और उसके लिए उन्होंने क्या नीतियां अपनाया, तीन नीति, एक क्या है, घेरे की नीति, दूसरा क्या है, सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि, ठीक है, तीसरा क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, मतलब बता रहे हैं सब चीज, चौथा क्या है, अधीनस्थ पार्थक की नीति, पांचवा क्या है, अधीनस्थ संघ की नीति, सब बता रहे हैं। ये 65 से स्टार्ट होगा, 65 से 1765, ये 1800 कर लो, ये 1857 कर लो, 1856 डलहौजी ये कर लो, 56 के बाद, ठीक है, 1856 के बाद, और ये 1935 के बाद, क्या हो, बोलो बोलो, वहां के लिए कर देते हैं, यार यहाँ के लिए, यहाँ के यदि यहाँ पे तो युद्ध में जाएगा ना, इसीलिए ओ कट रहा है, नहीं 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 हम धीरे इसीलिए बोले क्योंकि वहां पे ना जाए, ओ तो जोर से बोलिए हम भी सुन लेंगे, जोर से बोल रहे यहाँ क्या होता है सब बता रहे हूँ, स्वतंत्र प्रांत का जीतने का तरीका समझ लिया, लेकिन उसका खेल रणनीति तो समझ लो, ठीक है, पहला उन्होंने क्या नीति अपनाया, घेरे की नीति, उसका हेड बॉस कौन था बाबू, सत्रह सौ पैंसठ में रे रॉबर्ट क्लाइव, ये क्लाइव जी का योगदान है, ये किसका योगदान है, क्लाइव का, दिमाग में रखना, ये कौन है, कलाई सर, चला दीजिए, पहले यहाँ इसको पता करके, अब यहाँ ध्यान दो, कलाई इसके कौन थे, वेलेदी, ए बाबू इधर ध्यान दो, वेलेदी इसके कौन थे, डलहौजी, अच्छा हाँ डलहौजी, त्रिपुरा में रेलवे चलाया था, वो आया था, ये कौन हो गया, तो डलहौजी के पार था, और ये डलहौजी के पार, सुनो अब यहाँ पे सुनो, सबसे पहले उसका क्या नियम है बाबू,
घेरे की नीति क्या है नीति? इधर ध्यान दो, इधर 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 में करना। अभी देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग्स, क्या बोलते हैं? अभी रिंग रोड भी चलता है ना, भागलपुर में रिंग रोड बन रहा है, ठीक है, बाहरी बाहरी एरिया में। तो रिंग रोड मतलब क्या हो गया? देखो ये मान लो कि ये क्या है भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर के बगल में बांका, इधर मुंगेर, इधर कहलगांव, इधर छोटा सा खगड़िया, सपोज करो। तो तुलनात्मक रूप से भागलपुर से ये सभी तो छोटा छोटा है और कमजोर भी है। तो इन्होंने अंग्रेज नियम बनाया, बोला कि ऐसा करो कि भागलपुर मजबूत है, डायरेक्ट भागलपुर पे अटैक नहीं करना, पहले इसके पास चलो संधि कर लेते, ठीक है, संधि कर लेते हैं, संधि करके इसको क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, और जब मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे, भागलपुर पे अटैक कर देंगे, तो तुम्हारा पड़ोसी तुमको साथ ही नहीं देगा। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, घेरे की नीति। किसको घेर रहे हैं? जो मजबूत है ना उसको घेर रहे हैं, और ये काम करने वाला कौन है? कलाई है, हाँ अंग्रेज है, कोई दिक्कत है दिमाग में से बोला कि एकदम अब तक में तो संधि कर लिया था घेरे की नीति। बेलेजली जैसे ही आया बोला कि घेरे की नीति को हटाओ, ठीक है, घेरे की नीति को हटाओ और इसके जगह नाम रखो सहायक संधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस, है ना, सहायक करो। अब देखो सहायक, समझो दिमाग को लगा कर, ये कौन है ए, ये कौन है अंग्रेज, बी कौन है भारतीय प्रांत, सी कौन है भारतीय प्रांत, सी भी भारतीय, बी भी भारतीय, ई भी भारतीय, ठीक है ना, बंगाल है, मैसूर है, हैदराबाद है, ये सभी प्रांत, क्लियर है। बी कौन है बाबू? भारतीय, भारतीय, भारतीय। सी कौन है? भारतीय। अब बोलो अंग्रेज है ये, ए ने कहा बी को कि सी हमला करने वाला है, ए लाइन, ये लाइन समझो, ए ने कहा किसको, बी को, कि कौन हमला करने वाला है, सी, सी। मतलब भारतीय के ऊपर कौन हमला करेगा, भारतीय ही करेगा, भारतीय ही हमला करेगा। अब दोनों भारतीय जो है ये भारतीय डर गया तुलनात्मक रूप से सी से, ये अंग्रेज को बोला कि हम क्या करें, बोला करना कुछ नहीं है, तुम सेना रखो ना, ठीक है ना, सेना किसको दिया, बी को, बोला कि सेना का सेना तुम रख रहा है, जरूरत तुमको है ना, तो वेतन कौन देगा, अच्छा बोला तुम्हारे पास वेतन देने लायक भी पैसा नहीं है, तो कुछ जमीनी हमको दे, ठीक है, ठीक है। अब बोला कि बर्बादी का घर नहीं, अब बोला कि सुनो ना, तुमको कल के दिन और जरूरत पड़ेगा सेना का, तो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो एक रेजिमेंट बना, रेजिमेंट का कुर्सी कहाँ लगा रहेगा, तुम्हारे बगल में, है ना, ठीक है, किसके बगल में, राजा के बगल में, बोल बाबू सेना किसका, वेतन कौन दे रहा, जमीन किसका दे रहा, रेजिमेंट किसका है, मतलब वो ध्यान किसके ऊपर रख रहा है, इसके ऊपर रख रहा है कि राजा कर क्या बगल खेल कर दिया, है ना, ये वाला सेना को एकदम पालन कर रहा है टाइम लिए, ठीक है ना, इस तरीके से सी कभी बी पे आक्रमण नहीं किया, सी कभी आक्रमण नहीं किया, तो सी का कुछ गया नहीं न गया, अरे कैसे नहीं गया, से ए ने कहा सी को कि अब बी हमला करने वाला है। अब मान लो कि थोड़ा भागलपुर में जा रहा है हाथी घोड़ा, तो मुंगेर को खबर नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं, अब तो इसका मतलब है दोनों को पता चल रहा है, तो आज ए ने कहा सी को कि बी हमला करने वाला है, तो सी डर गया, कोई डरना नहीं है बेटा, है ना, सेना रखो मेरा, सेना नहीं तो वेतन दो, वेतन के बदले में क्या दो, जमीन दो और रेजिमेंट दो, ये इसका पॉलिसी हुआ, किसका, खत्म, ठीक है। और HMT जो छोटा छोटा था बाबू सब पे क्या कर दिया, बेलेजली सहायक संधि लाभ दिया,
1799 में मैसूर को जीत लेता है, हैदराबाद मैसूर तंजोर है ना, ये तीन कौन है तो सहायक संधि लादने वाले प्रथम प्रांत। ठीक है, सबसे पहले बोलेगा तुमसे कि सहायक संधि किसके साथ किया गया है, हैदराबाद। दूसरा किसके साथ, मैसूर। तीसरा किसके साथ, तंजोर। क्लियर है बाबू, दिमाग में से बोल रहा हूँ, तंजोर तमिल। क्लियर, पांच छह गो है वो नाम याद करा देंगे, है ना, ये जगह है जिसके साथ सहायक संधि हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये कब का घटना है बाबू, 1800 के बाद। ठीक है, डलहौजी आया, बोला कि सुनो ना, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। ये रातों रात घोषणा किया, क्या किया, रातों रात घोषणा किया कि नंबर वन, दिमाग को यहाँ खोल, ये डलहौजी महोदय है और 1856 का बाद। डलहौजी बोला कि सुनो, एक तो राजा स्वेच्छा से हमारे साथ मिल जाए, स्वेच्छा से अनाउंस कर दिया, जितना भी छोटा मोटा है सब हमारे साथ मिल जाओ, और यदि नहीं मिलता है तो हमारे साथ क्या करोगे, युद्ध करोगे। और जितना भी राजा है तो पहले से ना सहायक संधि में घेरा हुआ है, सेना तो पहले से ऑलरेडी है, खाली सेना को खबर करेगा, राजा को मार के चले जाओ, नहीं समझा, रेजिमेंट भी तो उसका बैठ लेना है, सब चीज तो उसी का है। क्लियर है ना, अगला आदेश खाली दे देगा ये, लेकिन अनाउंस कर कि तुम हमारे साथ स्वेच्छा से मिल जाओ, नहीं तो हमारे साथ क्या करो। ठीक है ना, तो जितना छोटा मोटा था सब आकर के सिलेंडर। ठीक है ना, लेकिन एक और कंडीशन लगा दिया, जिसके पास पुत्र नहीं है उसको तो मिलना ही मिलना है, गोद अब नहीं ले सकता। ठीक है, गोद अब नहीं ले सकता, मतलब तुमको पुत्र नहीं है तो तुमको तो मिलना अनिवार्य है, और तुम जो ये चाहेगा कि गोद लेकर के हम राजा बना देंगे, पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई इसी की है, रानी झांसी की रानी। हाँ, समझ में आया, तो गोद लेने के अगेंस्ट में जो है वो लज गई। क्लियर है ना, बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्या यहाँ पर समझे, मतलब जैसे हमको कोई पुत्र नहीं, ठीक है ना, तो हमको अनाउंस कर दिया कि किसको, जिसको पुत्र नहीं है स्वेच्छा से ताकि मिल गया, गोद लेकर के अब तुम नहीं चाहेगा कि राजा बना। ठीक है, बात समझ में आया, गोद लेकर के नहीं कर सकता, ठीक है, तो हमारे पास नहीं था तो हमने क्या किया, एक गोद लिया, दत्तक पुत्र गोद लिया। ठीक है, और ये काम कौन किया, झांसी के, तो झांसी की रानी तो इसके अगेंस्ट में चल रही ना, किसके अगेंस्ट, लड़ाई होगा उसके समय, समझ में आया, क्लियर, क्लियर हो गया। अब इस समय तक में क्या हो गया, फाइनली रूप से पूरे भारत पे क्या कर लिया, पूरे भारत पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद अब नाम देखो क्या है, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अब भारत पे जितना भी शासन पद्धति होगा उसका काम कौन देखेगा, अंग्रेज देखेगा, इसलिए पार्थक्य लिखा गया है, अधीनस्थ, किसके अधीनस्थ अब हम हो गए। क्लियर है, अब ये खेल चल रहा था और 35 तक में फिर से हमारे पास इंडियन नेशनल मूवमेंट होने लगता है, हम में फिर से राष्ट्रवाद की भावना आती है, अब तरीका बदल गया, अब क्या हो गया, अधीनस्थ संघ की नीति, इस संघ में भारतीय भी रहेगा हम भी रहेंगे, दोनों मिल करके शासन संभालेंगे। वेलिंगटन, ठीक है, और ये डलहौजी के बाद का ही है, उत्तर मुगल काल खेल खाता बोलना,
स्वतंत्र प्रांत खेल खत्म, यूरोपीय आगमन खेल खत्म, इतना खत्म कर लिए था अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था देख लेंगे तो 1857 एंट्री कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अब इसके बाद हम लोग जस्ट क्या देखेंगे, अंग्रेजों की प्रशासनिक ध्यान दीजिए। अभी तक में जो हम लोग पढ़े अभी तक तो हमारा जो है अंग्रेज एक तरीके से क्या बन गया बाबू, यहाँ का राजा बन गया, हेड बन गया। और उसके लिए उन्होंने तरीका क्या क्या अपनाया, स्वतंत्र प्रांत के साथ लड़ाई किया, बंदी के साथ जो है सिस्टम तरीका जान गया। अब क्या बन गया अंग्रेज यहाँ का प्रमुख बन गया। अंग्रेज कहाँ का प्रमुख बना, इंडिया का, दिमाग में से पीएम का दोस्तों। अब यदि सुनो, यदि भारत का प्रमुख बना तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होगा। अब यदि तुम्हारा हेड बॉस कौन है, अंग्रेज है, तो प्रशासनिक व्यवस्था लाएगा तो कौन लाएगा, अंग्रेज लाएगा, कैसा लाएगा, अपने जैसा लाएगा, नहीं समझे? अच्छा, वैसे भी बताइए एक प्रशासन को चलाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए, सैनिक चाहिए, ओके, दूसरा पुलिस चाहिए, आना तो बोलते चलिए, उसके बाद न्यायिक व्यवस्था चाहिए, बिल्कुल सिस्टम इसकी, उसके बाद आपको शिक्षा चाहिए, कौन आ रहा है, बहुत कौन आ रहा है, इमरजेंसी वाला, ठीक है, उस समय भी शिक्षा चाहिए, उसके बाद तुमको क्या चाहिए बाबू, राजस्व चाहिए, ठीक है, राजस्व बोले तो यही चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। रामद का कुछ क्वेश्चन है, हाँ पूछिए, सेना और पुलिस में क्या अंतर है, बहुत उस समय का अभी का नहीं समझ, सेना का काम क्या होता है उस समय का, हाँ उस समय जीतने में तुम्हारा सहायक रोल करेगा, ठीक है, और पुलिस क्या हो गया, जो तुम्हारा लोकल क्षेत्र का उगल हो गया वो, यदि आपको बंगाल जीतना है तो पुलिस थोड़ा जीतेगा, वो सिर्फ पुलिस तो मिलना है ना, ऐसे ना, ठीक है ना, ये आप जब उसका पुलिस का काम ये तो सेना करता है, ठीक है, कहीं अगर बड़ा मतलब ज्यादा इमरजेंसी का ब्लॉक हो जाए तो फिर शाम को सपोर्ट। अब यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे सेना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए, पुलिस चाहिए न्यायिक व्यवस्था, शिक्षा और राजस्व, ये प्रशासन कहीं का भी प्रशासन यदि जानेगा, ठीक है, तो यही सिस्टम चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ समस्या खराब हो गया, सेना, अच्छा यदि आपका अंग्रेज यहाँ का प्रमुख बना तो क्या सेना को लेकर के आया था, नहीं ना, भारतीय सेना था, कहाँ का था, भारतीय सेना, भारतीय सेना ने ही भारत का विजय कर दिया, एकदम कथन की पुष्टि सही है, ओके, अच्छा ये भारतीय जो है आपका साथ रहने लगा, क्यों रहने लगा, इसको टाइम पे क्या मिलता था, लेकिन एक चीज है, यदि सेना में जाइएगा तो सेना में भी पद होता है, कर्नल, मेजर, मेजर, नायक, सूबेदार, ठीक है, नायक, सूबेदार, आप भारतीय हैं, ठीक है ना, कितना भी अच्छा काम कर लीजिएगा आप मेजर नहीं बनेंगे, सिर्फ सेने रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन मेजर कर्नल वो सब जो बनेगा कौन बनेगा, अंग्रेज बनेगा, मतलब बॉस जो बनेगा वो कौन, अंग्रेज, अब तुम इसका क्या बनेगा, सिपाही, सिपाही, ये भारतीय, समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ भारतीय नाराज होगा, हाँ, एकदम दिन रात लेकर के हम तुम्हारे अंदर में काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रमुख नहीं बना रहा, मतलब इसका दिमाग में सेट था, देखो भारतीय के अंदर में रक्त खून तो बहे है ना, लेकिन वो खून मेरा है, बात समझ में आया ना, वो खून मेरा है, दिमाग में से बोलो बाबू, ठीक है, पुलिस बोले या आईसीएस,
पुलिस, ठीक है ना, यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था में ये बताएंगे कि सेना में जो है सेना का कौन कौन प्रमुख होता था, तो वो चीजें बता देंगे। ठीक है, कहानी तुमको समझ में आ गया कि भारतीय यहाँ नाराज हो गए। ओके, चलो अब यहाँ ध्यान। उस समय आईसीएस की परीक्षा कहाँ होगी? लंदन। कहाँ होगी? लंदन। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो। और शुड बी ग्रेजुएट, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा अभी क्या है? 21 साल। उस समय क्या था? 22 साल। 22 साल से कितना साल कर दिया? 19 साल। 19 साल से कितना साल कर दिया? 17 साल। एग्जाम कहाँ? लंदन में। 7 समुंदर पार एग्जाम होगा, ठीक है ना। और जो है 17 साल उम्र सीमा, 17 साल। अब बोलो 14 साल में, बोलो 14 साल में क्या करता है? मैट्रिक। 16 साल में इंटर। 19 साल में ग्रेजुएट। 17 साल में कौन पास कर सकता है? कौन? अभिमन्यु जैसा व्यक्ति। 12 साल में जो मैट्रिक करेगा तब ना। अभिमन्यु जैसा व्यक्ति। अच्छा। जो माँ के पेट में सब बात सीखता है, नहीं समझा? उसका मोटो क्या था कि किसी भी सूरत में हमको आईसीएस का प्रमुख नहीं बताना है, बनाना किसको? भारतीय। ठीक है, यदि भारतीय बन जाएगा तो भारतीय के पास बन जाएगा, तो भारतीय मैटर किसका जाएगा? भारतीय का। भारतीय भारतीय क्या हो जाएगा? भाई। भाई होगा तो इसका मतलब मेरा क्या बन गया? दुश्मन बन जाएगा। तो किसी भी सूरत में हम तुमको बनने के लिए नहीं देंगे। यदि बन भी गया गलती से तो पहला व्यक्ति आईसीएस पास करने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना, पास कर गए ट्रेनिंग में फेल कर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि हमको भी जो है क्या करेगा? फेल करेगा। वो क्या किए? पास कर गए और उसके बाद वो रिजाइन दे दिए, मतलब हम तुमको छोड़ रहे हैं, तुमसे निकालने से पहले ही हम निकल जाए। क्लियर है? भारतीय नाराज होगा कि नहीं होगा? भारतीय नाराज। दिमाग में से ठीक, क्लियर। न्यायिक व्यवस्था आते हैं। अब बोल बाबू, एक न्यायिक व्यवस्था में, अब यहां दिमाग सेट करो पहले भी, न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक में बाबू बोलो दो तरीके का मामला होता है, एक दीवानी, दूसरा फौजदारी। फौजदारी बोलो बाबू, यह जो न्याय है तो न्यायाधीश कौन बनेगा? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज की भाषा क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी। और इसके पास मैटर किसका जाएगा? भारत का। भारत की भाषा क्या है? हिंदी। पते नहीं है, संथाली नहीं है, भोजपुरी नहीं है। हमारा मम्मी तो आज तक इंग्लिश जानती है नहीं। अब मान लो कि उसको जाना पड़ेगा तो जज कौन है? अंग्रेज। आइए यहाँ पहुंच गए हैं एकदम, है ना, कौन? संथाली। अब इसको बोल रहा है डका जका जोम की ना। ठीक है, क्या बोल रहा है? अब अंग्रेज को समझ में आएगा तब ना डिसीजन लेगा रे। यस सर। जज तो भारतीय बनेगा ना। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हो गया? दुविधा हो गया। अब अंग्रेज जो जज बना हुआ था उसका मूड कैसा, है ना? इसका मूड अच्छा है तो एकाध दिन क्या होता था, आदमी 5 मर्डर करके गया है एकदम बड़ी रिहा हो गया, और एक आध आदमी ऐसा था कि कुछ नहीं किया, उसको कुछ समझे नहीं आया है, बोलू है, है ना, उम्र कैद की सजा। अब समझ का पड़े हो, समझ में आया? क्लियर है? तो न्यायिक व्यवस्था समझ गए। यहाँ कौन नाराज? निकलेगा ना कि हम कुछ नहीं किया, हमको देखो 5 साल का सजा दे दिया। ठीक है ना, 5 मर्डर किया। अब ये केंद्र बन गया किसका? ये केंद्र बन गया किसका बाबू? ये जो केंद्र बना किसका बना? इंग्लैंड। नहीं, अंग्रेजी भाषा कौन जान रहा है? अंग्रेज। बात चट्टा है ना, वकील। हाँ वकील, वकील लॉयर। ठीक है, अब भारतीय किसके पास जा रहा है? अंग्रेज के पास। ये कहाँ पहुंचा रहा है मैटर? अंग्रेज के पास। अब ये केंद्र बिंदु बन गया वकील।
कमाने का सबसे बड़ा जरिया, ठीक है। उस समय जितना भी नेता का नाम लो सब बैरिस्ट्री पास करने जाता था, बैरिस्ट्री पास करने जाता था कहाँ, इंग्लैंड। कौन सा नेता का नाम लेना चाहता है तुम बोलो? सब नेता बैरिस्ट्री पास करने, काहे? जानता था कि कल के दिन कुछ नहीं होगा तो बैरिस्ट्री में हमको डेली कमाई होगी। क्लियर है? आज लॉजिक समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये चीज तो बैरिस्ट्री अंग्रेजों का जो है वकील का जो है कमाई का जरिया बन गया। अब ये जाता था इसको हिंदी में समझाता, ठीक है, ये अपने बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेटर प्रोग्राम बन गया, ट्रांसलेटर प्रोग्राम। क्लियर है ना? और यहीं से झूठ का खेल स्टार्ट हो जाता है, कंपाइलर, यही से झूठ का खेल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बाबू? अब भारतीय नाराज यहाँ हो गए। अब भारतीय को समझ में आने लगा कि शिक्षा तुमको अंग्रेज बोला था अंग्रेजी सीखने के लिए, नहीं ना, लेकिन अंग्रेजी क्या बन गया? अब ये हमें जरूरत बन गया, जरूरत बन गया कि मतलब तुमको जीना है तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब सेम, आगे देखो यहाँ पे तुमको क्या लिखे है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग दे दो बाबू। शिक्षा में जो कहानी स्टार्ट होता है हमारे यहाँ से प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, मतलब पहले पाश्चात्य मतलब बाद जी है ना, पाश्चात मतलब क्या हो गया अंग्रेजी बात, प्राच्य मतलब क्या हो गया प्राच्य, ठीक है। हम लोग किस में सीखते थे? संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ये सब, तमिल, अब ये क्या हो गया अंग्रेजी। अंग्रेजी तुम्हारी जरूरत बन गई, अंग्रेजी तुम्हारी जरूरत बन गई। अंग्रेज बोला कि शिक्षा पे ना हम खर्च करेंगे कितना रुपया, 1,00,000 रुपया। किस अधिनियम में पहली बार? 1813 के अधिनियम, चार्टर, बात समझ में? 1813 के अधिनियम में लाया कि हम शिक्षा पे कितना खर्चा करेंगे, 1,00,000। लेकिन मुद्दा फंस गया, है ना, मुद्दा फंस गया कि ये खर्चा हम किस पे करेंगे, प्राच्य पे करेंगे कि पश्चात पे करेंगे, कोई दिक्कत है? उधर से बुलाए किसको बाबू? महाशय को। कौन महाशय? अंग्रेज। अंग्रेज कौन था बाबू? जी हाँ, मैकाले, है ना, मैकाले आए, बोले कि सुनो ना, मैकाले आए बोले कि हमको अंग्रेजी बताना नहीं है, अंग्रेज अपने सीख लेगा अंग्रेजी, भारतीय कैसे, हम लोग बड़ा तबका को जो है सिखा देंगे इंग्लिश, अब बड़ा तबका को सिखाएंगे अपने ही अंग्रेजी बोलेगा टैटा, अब बच्चा सब अपने सीख जाएगा। समझ में आया? इसको हम लोग बोले फिल्ट्रेशन थ्योरी, है ना, फिल्ट्रेशन थ्योरी। कौन लाया फिल्ट्रेशन थ्योरी? लॉर्ड मैकाले। क्लियर है? अब ये बड़ा लोग है, बड़ा लोग को अंग्रेजी सिखा दिया, ठीक है, छोटा अपने जान जाएगा, छोटा अपने जान जाएगा। आज भी बहुत सारा शब्द ऐसा है, जैसे मम्मी मेरे कभी स्कूल नहीं गई लेकिन इंग्लिश बुझ जाती है ना, दो चार वर्ड बोल देती है, तो कौन किसी के मुंह से सुनी हो, बस बस सुनने से, ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे गाड़ी मोशन में चल रहा है, मीने बोले गति में चल रहा है, दिक्कत है इंग्लिश से वर्ड, ये चीज क्या हो गया बाबू? मैकाले का सिद्धांत। क्लियर है? अब यहाँ आगे फिर चल करके पहली बार यहाँ आया 1853 में फूड डिस्पैच है। क्या आया बाबू? फूड डिस्पैच है। और वो डिस्पैच एक्ट में भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, सही हो, ठीक है, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और यहाँ से 1853 में आया वो डिस्पैच एक्ट, है ना, जिसे शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। क्लियर है? इस समय गवर्नर कौन था? लंडन लॉर्ड। क्लियर है? और यही पे पहली बार शिक्षा के स्तर पर जो है लंदन विश्वविद्यालय के ऊपर अलग तर्ज पे भारत में 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, मुंबई, मद्रास। क्लियर है बाबू? वो दिक्कत नहीं ना बाबू। यहाँ देखो 1853 से स्टार्ट होता है शिक्षा जगत का क्रांति, और ये कहानी जो है फिर शुरुआत से चलती है 1853 से 73
75, उसके बाद 1917, 1920, 1930, 1942, 1964 ये भारत का पहला शिक्षा पद्धति और 2022 नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति ठीक है, ये यहाँ से चला है और यहाँ खत्म हुआ, नहीं समझे। अब ये कौन सा है, सेटलर आयोग है 1884, हाटोंग कमीशन 1917, सेटलर आयोग। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सेटलर आयोग किससे संबंधित था, ये सभी शिक्षा से संबंधित था ठीक है। 1904 रेलवे कमीशन, ये भी शिक्षा जी, लॉर्ड कर्जन के काल में ठीक है, तो रेलवे कमीशन, ये विश्वविद्यालय के लेकर के चला था कि विश्वविद्यालय में भारतीय को कितना रखना है, ये सब तो याद करो। वुड डिस्पैच एक्ट से संबंधित शिक्षा से, हाटोंग कमीशन शिक्षा से, सेटलर कमीशन शिक्षा से, 1904 का रेलवे कमीशन शिक्षा से, 1920-30 वर्धा कमीशन शिक्षा से, 1942 अरे ये 49 ले लो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सी फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी, अच्छा सी फॉर्मूला, ये भी तुम्हारा किससे रिलेटेड, शिक्षा से, प्रथम भारत है ना, और उससे पहले कौन, महात्मा गांधी द्वारा ठीक है, वर्धा कमीशन हाँ क्लियर है, 30 है, 30 30 यस महात्मा गांधी क्लियर है ना, बात समझ में, ये सब शिक्षा से रिलेटेड, तो एक जगह याद रखिएगा। और ये सब मैं दे दिया क्या कि मतलब अब जो हम भाषा देंगे अंग्रेजी माध्यम हो जाएगा है ना, अंग्रेजी तुमको जबरदस्ती नहीं दे रहे, तुम्हारा भाषा तो हम पकड़े रह रहे हैं है ना, स्थानीय भाषा में भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जरूरत हो गई क्या चीज, अंग्रेजी, कि अंग्रेजी के बगैर हम रह नहीं सकते, नहीं समझा, तुमको अंग्रेज कभी नहीं बोला कि तुम अंग्रेजी सीखो, तुम्हारी जरूरत ऐसा पैदा कर दिया कि जरूरत बन गया। एक फिल्म देखा है ना, डर क्या होता है तुमको एक सेकंड में हम डर बता देते, वो डर नहीं रहा ठीक है, एक साउथ का फिल्म जी सर जी सर को दिक्कत यही चीज है, तो डर पैदा कर देता है, ये होता है ना, क्लियर है ना, तो शिक्षा समझ में आ गया बाबू, बोलो बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत है, सब भारतीय नाराज, क्यों नाराज, हमारा जो शिक्षा पद्धति था गुरुकुल पद्धति वो समाप्त हो रहा है ना, और वो समाप्त हो रहा है, और स्थानीय में जो हम लोग संस्कार सिखाते थे वो संस्कार भी खत्म हो रहा है, जहाँ पैर छू करके सिखाते थे वहां आ गए गुड मॉर्निंग ठीक है ना, अब हम क्या हो गए टाई, अब हम लोग टाई पहनने लगे, क्या पहनने लगे, टी आई ई, इसका मतलब क्या होता है, टीच इन इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता है वही क्या पहनेगा, टाई पहनेगा, समझ में आया, आजकल तो टाई क्या हो गया है, जब शादी होता है तो इंग्लिश नहीं हो जानता है तो टाई पहन लेता है, क्लियर है, तो फैशन हो गया, लेकिन टाई का मतलब क्या होता था, टीचिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता है वो क्या पहनेगा, क्लियर है बाबू, दिमाग में से, सब भारतीय नाराज, मतलब आपकी जो पद्धति थी शिक्षा पद्धति वो कहाँ धूमिल हो गई, और अंग्रेज धूमिल नहीं कर रहा था, तुम लोग खुद धूमिल, मजबूरी है ना, मजबूरी का नाम, क्लियर है दिमाग में से, बोल बाबू, इतना जो प्रशासनिक व्यवस्था चला रहा है तो बोलो बाबू इसके लिए तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ तो बोलिए, पैसा तुम कहाँ से लाएगा, ये सबको वेतन तुम अपने घर से लाएगा नहीं ना, तो क्या चाहिए, राजस्व, पैसा, है ना, पैसा के लिए उन्होंने तरीका क्या अपनाया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, यहाँ नाराज भारतीय, यहाँ नाराज भारतीय, यहाँ नाराज भारतीय, यहाँ नाराज भारतीय, यूहो नाराज भारतीय, अब याद है ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत मस्त बना है, किसका, सर इसको याद करना है, हाँ चल, राजा सर, रिवेन्यू ऑफिसर, ए बाबू राजस्व, राजस्व में ना तीन व्यवस्था अपनाया गया ठीक है, तीन व्यवस्था, यदि राजस्व का सुनो, कहीं का भी राजस्व पढ़ेगा तो तुमको हम बताए थे मध्यकालीन में, पहले हम लोग क्या करते हैं, भूमि का क्या करते हैं बाबू, माप करते हैं,
या पैमाइश करते हैं, फिर भूमि का क्या करते हैं, वितरण कर देते हैं, है ना। कर लगाएंगे, कर किस पे लगाएंगे, है ना, भूमि पर लगाएंगे कि फसल पर लगाएंगे। इधर देखो, भूमि पर, फसल पे लगाएंगे, ठीक है, ओके। भूमि पे लगा, टेंशन खत्म। फसल पे लगा तो भी टेंशन खत्म, दोनों में टेंशन। अभी बता रहे कैसे कर लगाएगा, अब वसूलेगा कौन, अंग्रेज। अपने से वसूलेगा तो सब नाराजगी कायम हो जाएगा, है ना, वसूलेगा तो सब टेंशन हो जाएगा ना, ठीक है। चलो, वसूलेगा कौन, यहाँ देखो, भूमि का क्या कर दिया अंग्रेज, माफ कर दिया, वितरण भी कर दिया। कर किस पे लगाया, भूमि पे लगाया। कर किस पे लगाया, भूमि पे लगाया, भूमि पे लगाया। ये भूमि है, ठीक है। बोला कि देखो ये पूरा भारत है, अब भारत का एरिया जो है ना, उपजाऊ कौन कौन है, पहले ये तो बंगाल बिहार उड़ीसा वाला उपजाऊ, फिर बोला ये पंजाब वाला उपजाऊ, ये बोला दक्षिण भारत है ना उपजाऊ नहीं। तो हम तीन व्यवस्था, ये वाला जो हो गया अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ये हो गया महालवाड़ी बंदोबस्त, और ये हो गया मेरा रैयत वाली व्यवस्था जी। क्लियर है दिमाग में सेट, ये कौन है, अस्थाई बंदोबस्त जी, ये कौन सा है, महालवाड़ी, और ये कौन है, रैयत वाली। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। महाल का मतलब क्या होता है, मुखिया। और अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ क्या गया, जमींदार के साथ। क्लियर बाबू, अब बोलो कर कहाँ लगाया, भूमि पर। अब वसूलेगा कौन, तो इस एरिया में कौन वसूलेगा, जमींदार। वसूल के किसको देगा, अंग्रेज को। अब बोलो सपोज करो ये मुखिया है ना, वसूलेगा कौन, मुखिया। जो एरिया में कुछ नहीं उपज रहा है वो दे दिया किसान को, तुमसे लेंगे डायरेक्टली दे, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब बोलो ये मान लो कि भूमि है, इस पे काम कौन करेगा, किसान। टैक्स कौन वसूलेगा, जमींदार, जमींदार, ठीक है। लगाएगा कौन, अंग्रेज, अंग्रेज, समझ में आया है लड़का। लगाया कौन, अंग्रेज, अंग्रेज। वसूलेगा कौन, जमींदार। किस पे लगाया है कर, जमीन, भूमि पर लगाया है। अब भूमि पे काम कौन करेगा, किसान। अब बोलो ये एरिया है, अब यहाँ फिर ध्यान देना, हमारे बात को ध्यान से सुनते चलना। अब मान लो एक एरिया है, इस एरिया में ये काम किया, इस एरिया में काम किया, किया। अब मान लो एक बीघा जमीन, एक बीघा जमीन में ना लगभग तुमको एक तिहाई कर चला गया जमींदार, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक बटे दस हिस्सा टैक्स लगता, कितना, एक बटे दस। अब मान लो कि जमीन पे लगा दिया है तो ये तो चला गया पैसा उसके पास, इतना एरिया में इतना कर में चला गया, इतना जो कृषक लाया था तो फसल के लिए पैसा लाया होगा किसी से, रहा तो इतना ही क्षेत्र, इतना क्षेत्र में एक कृषक है, उसकी एक पत्नी है, इसको चार गो बच्चा है, उस समय चार गो बच्चा तो जन्मी होता है, आज ना ज्यादा पढ़ लिख लिया है तो दो है ना, बात समझ में, उस समय नॉमिनल चार। उसके बाद इसका हो गया दादा दादी, बोला नहीं सर, मतलब इतना को क्षेत्र में खाने वाला कितना आदमी, आठ गो आदमी, ठीक है। आठ आदमी में उसको सब चीज देखना, खाएगा भी पिएगा, और गलती से कर किसके लगाया है, भूमि पे, भूमि पे। अब मान लो बाढ़ आ गया है ना, बाढ़ आ गया, फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया। तुमको फसल पे तो नहीं ना लिया है, किस पे लगाया है, जमीन पे। क्यों लिया है जमीन पे, इसलिए अंग्रेज खुश करने के लिए बताया कि देखो कर को हम अस्थाई कर देते हैं, कर को अस्थाई कर देते हैं, ताकि तुमको पता रहे कि हमको कितना कर लेना है और हमको पता रहे कि कितना वसूलना है। क्लियर, समझ में आया, दोनों को पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रोड बना देंगे, ये बना देंगे।
ठीक है। अब मान लो बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गया, तो कर लग गया, ठीक है। अब ये आदमी जो है ये कौन सा फसल उपजाता था? खाद्यान्न फसल। कौन सा फसल? खाद्यान्न फसल। अब बोलो बाबू, खाद्यान्न फसल से ये तुमको बोला है व्यापारिक फसल उपजाने के लिए? ये आदमी तो कर के माध्यम से फंसते जा रहा है ना कृषक, है ना। ये तुरंत फसल को किसमें तब्दील कर दिया? व्यापारी पारे फसल, कॉमर्शियल फसल। नील, तुमको अंग्रेज बोला था उपजाने? नहीं नहीं ना, तुम्हारी जरूरत बन गई, इसलिए कि नील उपजाएंगे तो हमको इनकम क्या होगा? ज्यादा होगा। जूट, नील, है ना, कपास, ये सभी वो बोला नहीं था, ठीक है। ये उसकी जरूरतें हो गई, उसकी जरूरत थी, और तुम्हारे पीछे ऐसा सिस्टम ला दिया कि तुम वही चीज उपजाए। क्लियर है ना, इसलिए कि एक कृषक बोझ तले पे जा रहा, ठीक है। अगला फसल उपजाने के लिए तो दूसरे से ब्याज लेगा, ठीक है। अब अंग्रेज पैसा देगा उसको, अंग्रेज इसको पैसा देगा। अब बोला देखो यहाँ पे, फिर बोला कि सुनो, फसल उपजाएगा, तुम्हारे पास पैसा तो नहीं ना, तुम पैसा हमसे ले, क्या करो? पैसा हमसे ले लो, पैसा हमसे ले लो, फसल जो उपजाएगा ना उसी समय में आधा मेरा हो। क्लियर, आधा किसका हो गया? टैक्स फिर जा रहा है अंग्रेज को, जा रहा है ना। फिर उसके पास कितना पैसा बच रहा है? ले दे करके वही सिस्टम, ले दे करके वही सिस्टम। वो पंखा बंद किया, एक बाहर चला जाऊंगा, ठीक। क्लियर है बाबू? अब यहाँ पे सिस्टम, अब बोलो बाबू, परिणाम स्वरूप यहाँ पे अकाल उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? अकाल। अकाल, ठीक है। तो अकाल किसकी दोस्त थी? अंग्रेजों की दोस्त थी। अकाल में क्या होता है? खाद्यान्न फसल में क्या होता है? कमी हो जाता है। अब यहाँ तक सब आदमी क्या उपजा रहा है? सब व्यापारिक, है ना, व्यापारिक फसल। तो तुम क्या जूते खाएगा? है, खाने के लिए तुमको क्या चाहिए? चावल दाल गेहूं हुए ना, है ना, वो तो उपज नहीं रहा है। और तुमको अंग्रेज बोला भी नहीं कि क्या उपजाओ? व्यापारिक फसल उपजाओ। लेकिन व्यापारिक फसल जरूरत किसको था? और ये घटना कब की है बाबू? 16वीं 17वीं शताब्दी का। और 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा है? औद्योगिक क्रांति। कहां पे? ब्रिटेन में। उद्योग, है ना, औद्योगिक क्रांति कहां हो रहा है? ब्रिटेन। एक उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल, श्रम, पूंजी और साहसी व्यक्ति। बात समझ में आया? भारतीय के पास कोई नहीं था साहसी व्यक्ति, अंग्रेजी के पास साहसी व्यक्ति था, पूंजी उसके पास ढेरी था, मजदूर भारत में, कच्चा माल भारत में। ये कच्चा माल जाएगा तो ब्रिटेन का इंडस्ट्री चलेगा, नहीं तो उसका इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और तुमको बोला भी नहीं, उसका जरूरत पूर्ति हो रहा। क्लियर है? कम बैग, यहाँ से सामान बनाया, क्या बनाया? कपड़ा। फिर बेचेगा कहाँ? भारत। समझ में आया? सबसे बड़ा मार्केट कौन? इंडिया। भारत, स्वदेशी आंदोलन, अपने लिंकअप हो जाएगा तुम्हारा कहानी। क्लियर है? समझ में आया? अब यहाँ का सामान बना करके बेचने के लिए यही आ रहा है। भारतीय नाराज होगा कि नहीं? ठीक है। अब ये औद्योगिक क्रांति चलाने के लिए अकाल एक आया, दूसरा यहीं पे समझ लो अकाल, थोड़ा सा समझ लो। अकाल दो सिस्टम से होता है, क्या होता? हाँ। तो ये देख रहे हैं दिमाग में कहानी तरह आपको बहुत अच्छे से एडजस्ट है। अकाल, अकाल देखो, अकाल जो है सिस्टम समझो, ये अकाल अंग्रेजों की ही देन है, इस चीज का प्रूफ भी हो जाता है। अमर सेन कहते हैं जब मानसून विफल हो जाए, जब मानसून विफल हो जाए तब अकाल आता है, ठीक है। और एक होता है कि जन वितरण प्रणाली में यदि दोष है, जन वितरण प्रणाली में यदि दोष है तब पर भी अकाल आएगा। मानसून मतलब क्या हो गया? कि जब आपका मानसून समय पर वर्षा नहीं हुआ तब क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा, फसल प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बाबू, 1757 में क्या हुआ है? प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1765 में क्या लगा है बंगाल में?
क्लियर है पैंसठ में क्या लगा है शासन अब पैंसठ में अकाल आ गया क्लियर ठीक है पैंसठ के बाद सड़सठ सड़सठ के बाद 69 और यहाँ पैंसठ से लेकर के 1857 तक में यदि जाते हैं तो लगभग 35 बार अकाल पड़ा और 1857 से लेकर के 1947 तक जाते हैं तो लगभग 30 बार अकाल पड़ा है 35 जी और 1947 से लेकर के 2023 तक जाते हैं तो एक बार अकाल आया है 1961-62 लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान मतलब चीनी जी समझ में आया उस समय अकाल आया ओके ये कहाँ का हो गया कर्नाटक वाला में फ्रांस हारता है ठीक है क्लियर है बाबू ये इतना पीरियड हो गया इससे पहले क्या है बाबू सुनो इससे पहले क्या है मुगल काल ठीक है अर्थात मध्य काल और इससे पहले क्या है प्राचीन काल ठीक है प्राचीन काल में सहगोरा अभिलेख हाँ याद आया और महास्थान अभिलेख बताए थे सहगोरा और महास्थान में क्या है अकाल से निपटने की चर्चा अकाल आया नहीं है पहले से राजा क्लियर था अकाल जब आएगा तब हम इससे क्या करेंगे निपटेंगे अपने घरों में सत्तू बना करके रखेंगे ठीक है कोई दिक्कत पूरे प्राचीन काल में अकाल एक बार भी नहीं आया क्लियर नहीं आया है लेकिन चर्चा है मध्य काल में दो बार आया है शाहजहां के काल में जब ताजमहल बना रहा दो बार शाहजहां के काल में क्या आया है दो बार है ना मतलब मुगल काल में दो बार अकाल आया जब एक बार जो है ताजमहल बन रहा था तो उस समय अकाल आया था लेकिन सरकार निपट ली लेकिन यहाँ क्या निपट नहीं पा रहा खाली कमीशन गप ठीक करता है ना जानो काके अकाल आया बात समझ गया जैसे पटना का गोलघर क्या है अनाज रखने का मंडी क्लियर है अनाज सड़ रहा है और आदमी भूखे मर रहा है ना हमारे बगल में जाओगे तो बरहरा कोठी कोठी मतलब क्या हो गया अनाज का मंडी जी हाँ उसके बाद पूर्णिया से बगल में आ जाओ काझा कोठी है ना तो इनका है देखो कितना मुस्कुरा रही है तो कोठी मतलब क्या होता है अनाज रखने का अनाज रखने का केंद्र कौन बनाया अंग्रेज फसल को कौन खा रहा है चूहा ठीक है और आदमी क्या हो रहा है भूखे मर रहा है इसका मतलब कहाँ पे दोष है बाबू मतलब अंग्रेज आया अकाल लेके आया अंग्रेज गया अकाल था। है ना अरे मानसून विफल होगा तो एक बार दो बार ना होगा एक एवरेज औसतन हर दो से तीन साल में एक बार अकाल आ जाएगा किसको एक आध दो वीडियो में उसको पकड़ यही था ब्लैक लिया ये समझ में आया रे बोलो बाबा पक्का अब उसको औद्योगिक क्रांति उधर जो हो रहा था ठीक है अब इसको जो है एगो चीज का और जरूरत पड़ गया ठीक है बोला हाँ ठीक है ये जो इंडस्ट्री हम लोग कर रहे हैं इसको चलाने के लिए हमको ना जरूरत है क्या चीज का रेल का एक चीज तो दिया है रेल जो लाया वो शुरुआत अपने लिए लाया कैसे देखो अनाज ढोने के लिए अनाज कच्चा माल कहाँ पहुंचाएगा अपना देश कच्चा माल का एरिया कौन है बंगाल ठीक है और जो है जाएगा कहाँ से मुंबई से मुंबई से कहाँ चल गया लंदन मुंबई से थोड़े चलाया था ना इंग्लैंड बात समझ में आया अब कच्चा माल कनेक्टिंग करना है तो रेल कैसे लाएगा ठीक है ऊपर में रेल पहले नहीं चला है पहले कहाँ चला है मुंबई दूसरा रेल कहाँ चला है यहाँ तीसरा रेल कहाँ चला है यहाँ पहले मुंबई पहले मुंबई टू थाने ठीक है उसके बाद रानीगंज जी हाँ रानीगंज कलकत्ता उसके बाद ये सभी पुराना लाइन पुराना लाइन जी इंग्लैंड के पहले से नहीं इंग्लैंड कनेक्टिंग हुआ
चारों बगल से सामान मतलब लोड करके लेके चल छोटी लाइन था जी क्लियर है। अब ये रेल लाया किसके लिए? अपने लिए, ताकि हम कच्चा माल को आसानी से क्या करें, तुरंत लाए यहाँ, तुरंत कहाँ पहुंचाते? ब्रिटेन। ब्रिटेन में उद्योग बंद ना हो जाए, ठीक है, कच्चा माल वहाँ भेजते थे, फिर वहाँ से सामान बना के फिर यहीं बेचने आ जाते। क्लियर है? अच्छा उनको बुद्धि बंद रखो, ठीक है, उसी का माल चुराया। हाँ हाँ, चोरा चोरी आएंगे, ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर। लेकिन ये रेट तुमको आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में काम आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काम आएगा, चोरा चोरी जैसे। क्या काम आएगा? रातों रात खबर, यहाँ का खबर यहाँ पहुंच जाता था, यहाँ का खबर यहाँ पहुंच जाता था, और यहाँ का खबर यहाँ पहुंच जाता था। ट्रेन रेल जो है एक माध्यम बना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना, जो जरूरत अंग्रेजों की, अंग्रेजों की, ठीक है, बात समझ में। अब रेल का विस्तार देखो, भारत में कब चला? 1853 में, और इंग्लैंड में कब चला? 1830 में। बात समझ, पहले कहाँ चला? इंग्लैंड में, लिवरपूल टू मैनचेस्टर, लिवरपूल टू मैनचेस्टर, क्लियर है, लिवरपूल टू मैनचेस्टर, मैनचेस्टर वही है, हाँ ये चलता है, क्लियर है, कोई दिक्कत? और उसके 20 साल बाद कहाँ चला है? लगभग 12। अब बोलो 1853 से लेकर के 1900 तक रेल का विस्तार भारत में ज्यादा हुआ, और 1900 से लेकर के 1935 तक में तो जाले बिछा दिया, यहाँ पे जितना भी अंग्रेज होता था ना, सबको यहाँ शेयर होल्डर बना दिया, रेल का यहाँ विकास करो तुमको शेयर होल्डर बना दे, ठीक है, रातों रात यहाँ एकदम भारत में रेल का विकास इतना हुआ, 1925 है ना, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता, मतलब सबको शेयर होल्डर बना दिया ना, पैसा ला रहा है ना, काम एकदम धड़ल्ले हो रहा था, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक कहते हैं भारत का रेल के बारे में, पराई बीवी पर नजर नहीं डालनी चाहिए, किया गया सिंगार खर्च, पराई बीवी पर किया गया सिंगार खर्च। अरे तुम्हारा बीवी कौन है? इंग्लैंड, इंग्लैंड पे ना खर्चा करना चाहिए था, और जो भारतीय है तुम इतना रेल का है बिछा रहा, ठीक है, बात समझ में। तो पराई बीवी, हम पराई बीवी आज यहाँ रेल का विस्तार कर रहा, तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक कहते हैं भारत में रेलवे का विकास पराई बीवी पर किया गया सिंगार खर्च, सिंगार खर्च मतलब फालतू खर्च, क्लियर है। और ये खर्चा हमको कब जरूरत पड़ेगा? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। और दूसरा बात, रेल एक काम और किया, ठीक है ना, इंडियन नेशनल व्यवस्था में ना, नेशनल मूवमेंट में जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। कैसे? रेल में बैठता है, बगल वाला से पूछता है कि तू कौन जाता है, है ना, अगल बगल में तो पूछ ही लेता, लेकिन रेल में यदि जाति व्यवस्था यदि टूटते हुए देखना है तो एकदम यातायात साधन में चले जाओ, बस बैठो, ट्रेन बैठो, हवाई जहाज बैठो, वहां कोई जाति नहीं, और हर जगह तुमको फॉर्म भरो तो जाति, कौन सा कैटेगरी है, एसटी एससी ओबीसी जनरल जो है, ठीक है ना, लेकिन ट्रेन में कास्ट जनरल व्यवस्था, जाति व्यवस्था यहाँ टूटा, क्लियर है बाबू। अब यहाँ पर भी एक तरीके से भारत नाराज हुआ, भारत मतलब भारतीय नाराज हुआ, यहाँ कृषक नाराज हुआ, सब नाराज, इतना आदमी नाराज होगा तो बोलेगा ना कि कुछ तो होना चाहिए, टूट गया है ना, कुछ तो होना चाहिए। अच्छा 1925 में किस रेल का बात है? काकोरी का, नहीं काकोरी नहीं, रेलवे का ही है, इंजन वो इंजन कारखाना सब बनता है 1925 में, ठीक है, जमालपुर हुआ, ये सभी पुराना है, अंग्रेजी के समय का। क्या विद्युत रेलवे तो नहीं? लोकोमोटिव, ठीक है, ठीक, ये 1925 रेलवे से ही था। चल आगे, अब इतना इतना आदमी नाराज, तो परिणाम स्वरूप विद्रोह आंदोलन, और इसके लिए शुरुआत होता है, एक छिटपुट विद्रोह होता है, जैसे मान लो कृषक नाराज हो रहा है तो कृषक विद्रोह होगा, ठीक है ना, कब सबका डेटा भी बता रहे, कहानी समझना है, क्लियर है ना, जैसे हम कृषक का नाम लेकर के आएंगे
तब तुमको कहेंगे कि जाति है ना, जाति में मतलब संथाल आ जा, उराव आ जा, ये सभी आ जा, उराव संथाल है ना, मतलब सब हो गया आदिवासी। तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, आदिवासी, आदिवासी माना, आदिवासी विद्रोह, ठीक है। फिर अन्य विद्रोह, अन्य विद्रोह, ये सब विद्रोह एक जगह ला देंगे। इसके पीछे कारण क्या, यदि तुमको इसका कारण पूछेगा तो बता देना एक लाइन में, टैक्स बढ़ा दिया, नहीं समझे, टैक्स बढ़ा दिया, फिर खत्म, ठीक है। एक बड़ा सा विद्रोह होता है और उस विद्रोह का नाम क्या है, 1857 विद्रोह। ये सभी छोटा विद्रोह था, इन सभी विद्रोह के बाद एक बड़ा विद्रोह होता है, कौन सा विद्रोह, 1857। यदि तुमसे हम पूछेंगे कि 1857 का विद्रोह का कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस होता, तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस, लेकिन मेन कारण क्या था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा और उसकी राजनीतिक व्यवस्था, जितना भी चीज है सब लेकर क्या आ जा, हमको बताना पड़ा 1857 के क्रांति के कारण, ये सारा कारण उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बोल बाबू, 1857 का दिया, अब हाँ, अब इसमें डेट हमको देख लेना है खाली। ये तो था टेलर फिल्म शुरू हुआ, मारते की अब तुम पढ़ेगा किताब, तुमको सब उड़े उड़े जाएगा, कहानी याद आएगा, कहानी तो याद आएगा पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत दिमाग में से। कल हम लोग 1857 से लेकर के 1947 तक कहानियां चलेंगे अभी, देश आजाद का, ठीक है, लेकिन इतना रात में एक बार मेरा 1857 तक सब एक बार नजर, कुछ करने नहीं है, बोल दीजिए आज के लिए बस इतना ही, बोल दीजिए, हाँ आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना रखा जाए, है ना, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। कल सेकंड पार्ट में एक कहानी के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारत समाप्त, विश्वास रखिएगा एकदम जो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न रहेगा छूटेगा नहीं, और जो हमारा मेन फैक्ट है, तथ्य है, उसको याद करना है, वो भी हम याद कराते हैं, ठीक है, बात समझ में, दो दिन में तुम्हारा